हमने ये बोला कि अगर अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जो आया है वह जिस भाव का स्वामी होगा व्यक्ति को पीड़ा वहां से होगी। अगर पहले भाव का स्वामी यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में है, आप सब लोग अपनी कुंडली खोल लीजिए, हमको मैसेज मत करिएगा, हम जो बताते जा रहे हैं आप उसको देखिए और बता आप इसको कंफर्म करिएगा कि आपके साथ है या नहीं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है तो वो व्यक्ति ही अपने लिए समस्या है। उसको कई बार महसूस होता होगा कि ये जो ये गलत परिणाम या गलत रिजल्ट उसको मिल रहे हैं वो उसी के कारण ही उसको मिल रहे हैं, अपनी गलती के कारण मिल रहे हैं, दूसरे की गलती के कारण नहीं। लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति को रियलाइज करना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं अपनी गलती ही नहीं मानते और कुछ लोग होते हैं और बाद में जो उसका पश्चाताप करते हैं। तो जिसका फर्स्ट हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में है उसको ऐसा जरूर फील होगा। आप देखिए ऐसा, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिस पेड़ पर बैठा है, पेड़ की जिस शाखा पर बैठा है, ब्रांच पर बैठा है, उसी को पेड़ की तरफ से काट रहा है। आप देख लीजिएगा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस प्लेसमेंट होगा। अगर सेकेंड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो व्यक्ति का फैमिली और उसका फाइनेंस पैसा उसके लिए समस्या रहेगी, वो उसे जूझ कर चलेगा। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस अगर आ गया, बोलिए थोड़ा सा स्लो जी, बोलिए सेकंड का एक बार दोबारा बताओ ना। सेकंड हाउस हमने बोला फैमिली या उसका फाइनेंस, फैमिली या उसकी फाइनेंस। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस आता है तो फैमिली और फाइनेंस के कारण उसको समस्या देखने को मिलेगी। सुजीत जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। थर्ड हाउस अगर थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो व्यक्ति को ना सिग्नेचर बड़े समझबूझ के करने चाहिए, किसी भी डॉक्यूमेंट पे ऐसे साइन ना कर दे वरना उससे कष्ट उसको जरूर मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम रहेगी, छोटे भाई बहनों से समस्या रहेगी, उसके ऑफिस में जो लोग उसके साथ काम करते हैं उसके कलीग वहां से भी उनको समस्या देखने को मिलेगी। फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ रहा है तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी, व्यक्ति की माता और जो उसका फैमिली एटमॉस्फियर होगा ना वो उसके लिए समस्या रहेगा, मतलब फैमिली एटमॉस्फियर पीसफुल नहीं होगा, या माता का स्वभाव या प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए पीड़ा का कारण बनेगी। फिफ्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए तो व्यक्ति के डिसीजन गलत होते हैं। जिसका भी फिफ्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आए ना, ऐसे व्यक्ति जो डिसीजन ले तो दो लोग तीन लोग से और पूछ ले, क्योंकि व्यक्ति के डिसीजन गलत होते हैं, उसको अपनी लव लाइफ में धोखा मिलता है। कुछ लोग आजकल यंगस्टर हैं जो लव मैरिज या जो भी करते हैं या अफेयर चलाते हैं अपना, तो आप देखिए उन्हीं को धोखा भी होता है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आ गया, व्यक्ति की पहली संतान, व्यक्ति की पहली संतान उसके लिए कष्ट का कारण बनती है। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को लोन नहीं लेना चाहिए, जैसे ही वो लोन लेगा वैसे ही उसको कष्ट आने लगेंगे, या तो उसको बीमारियां होंगी या लोन लेगा तो कष्ट आने लगेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, रिपीट करिएगा, ये कौन सा पांचवा भाव का गुरु जी? पांचवा भाव मैंने कहा ना कि व्यक्ति का डिसीजन के कारण उसको कष्ट मिलेगा। पांचवा भाव लव रोमांस का भी होता है, तो लव रोमांस के कारण भी उसको कष्ट मिलेगा, जिसको लोग बोलते हैं ना हमें धोखा दे दिया या ये कर दिया, तो ये चीज वहां भी आपको देखने को मिलेगी। या कोई लड़की है तो उसको कहा कि भाई उसने हमको धोखा दे दिया, कोई लड़का है लड़की कहा कि हमको उसने धोखा दे दिया। फिफ्थ हाउस लॉर्ड प्लेसमेंट इन एट्थ हाउस, व्यक्ति की पहली संतान उसके लिए कष्ट का कारण बनेगी। दूसरा, अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में है
तो व्यक्ति की एजुकेशन के कारण भी उसको कष्ट रहेगा, लेकिन अगर उसकी एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी की है, यानी ज्योतिष की है, कर्मकांड की है, अकल्ट की है, टैक्सेशन टैक्सेशन की है, जो टैक्स की पढ़ाई करते हैं सीए या सीएस जो बनते हैं, डॉक्टर में सर्जरी जो पढ़ाई करते हैं, अगर ऐसी वो एजुकेशन ले रहा है तो उसको कष्ट नहीं आएगा। अगर ऐसी एजुकेशन उसकी नहीं है तो उसको पक्का कष्ट आएगा, वो एजुकेशन ले नहीं पाएगा। अब यही क्या हुआ, इसका उपाय क्या, इसका उपाय यही हो गया कि जिसका फिफ्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए तो आप उसको इस प्रकार की एजुकेशन लेने के लिए कहिए, इसकी यही रेमेडी। सिक्स हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में मैंने कहा तो व्यक्ति जैसे ही लोन लेगा उसको समस्या स्टार्ट हो जाएगी। व्यक्ति को बीमारियों से भी समस्या देखने को मिलेगी, यानी रोग ऋण और शत्रु ये जो है उसके पीड़ा के कारण होंगे। सेवंथ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए तो समझी गए अपने लाइफ पार्टनर से उसको पीड़ा रहेगी। एट्थ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ जाए, एक ही कुंडली में देख रहा था उसका एट्थ हाउस लॉर्ड मिथुन लग्न की थी, हाँ मुझे याद है मिथुन लग्न की कुंडली थी और शनि मकर राशि में नहीं आठवें भाव में बैठे थे, तो एक और भी वहां विद्वान आदमी बैठे थे, हमने कहा कि इसको तो बहुत पीड़ा रहेगी और शनि की दशा चल रही थी, तो कहते ऐसा कैसे आठवें भाव का स्वामी आठवें बैठा तो पीड़ा कैसे रहेगी। मैंने कहा इसके इनलॉज की कंडीशन क्या है, तो कहते इनलॉज ही तो इसके लिए समस्या हम कर आ गए ना, यानी जो ये लोग जनरल बताते हैं वो गड़बड़ बताते हैं। यानी एर्थ हाउस लॉर्ड एर्थ हाउस में है, यानी अपने घर का स्वामी अपने घर में, तब भी एर्थ का स्वामी है ना, एर्थ का लॉर्डशिप है ना उसके पास, वो पीड़ा एर्थ हाउस से रिलेट देगा। अब एर्थ हाउस क्या है, इनलॉज क्या है, ससुराल का है, वहां से उसको पीड़ा आनी है, कन्फर्म आएगी। या फिर जो पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति उससे संबंधित पीड़ा आएगी, हो सकता है पैतृक संपत्ति उसको ना मिले, या मतलब ऐसी स्थिति केवल उसी को ही मिले तो भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ वहां समस्या हो जाए, या जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी होती है, वहां से उसको समस्या आ सकती है। नाइन्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए, आपने नहीं सुना कि यार हमारा तो भाग ही साथ नहीं देता, ये वो लोग हैं जिनका नाइन्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ जाए उस व्यक्ति का भाग कभी साथ नहीं देता। एंड टाइम पर, यानी कि आप जिस टाइम आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा उसी वक्त गड़बड़ होगा। बाकी दशाएं भी इंपॉर्टेंट हैं, टेंथ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस आ जाए, व्यक्ति का प्रोफेशन जो भी वो कर्म करेगा वो उसके लिए पीड़ा होगी। टेंथ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए तो आप ये समझ लो ऐसे व्यक्ति को आपने कहता सुना यार मजा नहीं आ रही काम में, उसको कभी मजा ही नहीं आएगी, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा अपने काम से, उसको ये लगेगा दूसरे का काम अच्छा और हमारा जो काम कर रहे हैं वो खराब है, अगर हम दूसरे का काम करते तो हम बहुत अच्छे होते, लेकिन जब वो वाला काम करेगा तो फिर कहता है यार तो हम पहले में ही अच्छे थे। टेंथ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस आ जाए तो ये उसका प्रोफेशन, उसका स्टेटस, रेपुटेशन उसके लिए कष्टदायी रहेगा। इलेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस आ जाए, इलेवेंथ हाउस किस चीज का होता है, सोशल सर्किल का होता है, फ्रेंड सर्किल का होता है, ये सब उसके लिए पीड़ादायक है। ऐसे लोगों को दोस्ती कम रखनी चाहिए या दोस्त होने ही नहीं चाहिए, या दोस्तों से दूर रहे, सोशल लाइफ ना जिए। ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए,
जो हस्बैंड वाइफ की जो पर्सनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब रहेगी। 12th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए तो हस्बैंड वाइफ की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। अब आप सब लोग मुझे कंफर्म करिए कि किस जो भी बताया बस हाँ ना में आंसर दीजिएगा, किसके साथ ऐसा हो रहा हो, नहीं हो रहा तो पॉसिबल नहीं। 11th हाउस का थोड़ा बता दीजिए गुरुजी। 11th हाउस ये 11th हाउस लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो सोशल सर्कल और फ्रेंड सर्कल उसके लिए समस्या का कारण बनेगी। गुरुजी मेरे पर पॉइंट बैठता है। आपके ऊपर ये 11th का लॉर्ड जो है 8वें में है गुरुजी जी, ये मेरा इसलिए बैठता है गुरुजी मेरा जो मंगल है वो सात धनु राशि है, धनु लगन है गुरुजी मेरा, उसमें जो मंगल है वैसे तो देखा जाए तो उसमें वो सातवें घर में बैठा है गुरु के साथ में, लेकिन उसमें प्लस आ रखा है तो वो अगले भाव में चला गया ना गुरुजी, अगले घर में चला गया ना मंगल, तो वो मित्रों से समस्या है गुरुजी। है जी गुरु जी। बढ़िया, और कंफर्म करिए, और लोग कंफर्म करिए। मेरा गुरु जी कोई नहीं है, राहु है खाली। नहीं अभी प्लैनेट हमने नहीं लिया, अभी हाउस लिया है मैंने। आप लोग बात ध्यान सुनिए, मैंने हाउस की बात करी, किस हाउस का लॉर्ड वहां पर बैठा है उसके साथ ये घटना घट रही है नहीं घट रही। जी सही है गुरुजी, सही है। कौन सा क्या हो रहा है आपके साथ? ये मेरा ए वाला है, जो ससुराल वाला 8th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में। जी जी जी, इन लॉ से प्रॉब्लम रहेगी, ये ससुराल से प्रॉब्लम है, ससुराल के सुख में कमी है, बिल्कुल कमी है, ससुराल नष्ट है मतलब कोई नहीं है। हाँ वो भी एक प्रॉब्लम ही है, सही बात, वहाँ की भी जिम्मेदारियाँ आपको उठानी पड़ सकती है। जी जी, यहाँ से भी समस्या है जी। और एक काम वाला जो है, 10th हाउस का मालिक अष्टम भाव में भी है, तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। जी सर, कर्म से काम से संतुष्ट नहीं होना, ऐसी सोचना, आप ज्योतिष का काम करिए, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। जी सर, जी सर, जी सर, वही वही इसकी रेमेडी। और लोग कंफर्म करें भाई। मेरा भी तो ऊपर जी आप आवाज नहीं आ रही रवि जी आपकी। आप देखिए जो भी हाउस का लॉर्ड वहां पर बैठा है बस आप उसकी बात करिए, बाकी लग्न क्या वो आप देखिए। बात नहीं हो रही रवि जी, आप ये बताइए कि 8th हाउस में जो लॉर्ड बैठा है वो कहाँ कहाँ का लॉर्ड है, वहाँ से प्रॉब्लम है या नहीं? बस नहीं, वहाँ पे जो राहु बैठे हुए जी, वहाँ नहीं, तो प्लेनेट अभी नहीं ले रहे। आगे लोग बताइए। हाँ राजेश जी क्या बोले सर? 8th हाउस खाली होगा तब क्या होगा? 8th हाउस खाली होगा अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, इसका खाली है बता रहे। गुरुदेव मेरा है लगन का अष्टम में है, नेक्स्ट लगन की कुंडली है अष्टम में है। आप खुद ही अपनी समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। समस्या तो हो रही है वैसे, आप खुद ही जिम्मेदार हैं उसकी, आपके लिए समस्या किसी दूसरे व्यक्ति को समस्या की जरूरत नहीं है, आप ही काफी हैं अपनी समस्या के लिए। अब इसको आप रियलाइज करिए, जब आप इसको अनुभव में लेंगे तब समझ में आएगी बात। हेलो, हाँ जी गुरुजी, का उपाय क्या होगा गुरुजी? बताते हैं उपाय, बताते हैं, पहले पहले तो समझते ले किसके किसके साथ क्या हो रहा है। और लोग बताएं भाई, इतने लोग जुड़े हुए हैं, और लोग बताएं। हाँ गुरुजी, नहीं नहीं उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, हमने बोला 8th हाउस में जो लॉर्ड बैठा है और वो लॉर्ड किस हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है सॉरी वो किस हाउस का लॉर्ड है, वो जिस हाउस का लॉर्ड होगा वहां की समस्या आएगी। लगन लगन का जी, तो आप खुद ही अपने लिए समस्या है। और बताइए गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ ये कह रहे हैं कि हमारे में अष्टम भाव में तो कोई ग्रह बैठा नहीं है, परंतु अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव। नहीं नहीं, पहले भी आपने बताया था जी, पहले आपने बताया था कि भाग्य और पिता के पक्ष से जो है परेशानियां आएंगी, क्योंकि अष्टम भाव का पूरे स्वामी है और नवम भाव में बुद्ध के साथ बैठा हुआ है,
वो तो चल रही है पहले के अकॉर्डिंग जो है आप बता चुके हैं। आज हम जो बता रहे हैं एर्थ हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसकी बात कर रहे हैं। जी 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 अभी अभी प्लेनेट नहीं बैठा है तो अभी हम दूसरा फार्मूला उसका दे रहे हैं। तो पहले हमें जिसके एर्थ हाउस लॉर्ड में जिनके प्लेनेट बैठे हैं वो लोग कंफर्म कर लें उनके साथ ये समस्या आ रही है नहीं आ रही। हाँ जी और कोई नहीं है किसी के साथ और ऐसा नहीं बैठा हुआ? जी गुरु जी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है कौन किस हाउस का लॉर्ड है? दसम भाव का स्वामी बैठा है सूर्य मेरा अष्टम भाव में। ये कहाँ के लॉर्ड है? चतुर्थ के फोर्थ के दसम के गुरु जी। अच्छा टेंथ के एर्थ हाउस में ठीक। जी जी तो यानी कि ऐसी समस्या आपको देखने को मिल रही ठीक है और बताएं और लोग कंफर्म करें अभी उपाय भी बता देते हैं आप। गुरु जी मेरे सातवें का जो है वो आठवें में बैठे हुए हैं लेकिन हमारे लाइफ पार्टनर नहीं लेकिन बिजनेस पार्टनर का प्रॉब्लम है। क्या लाइफ पार्टनर से? लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस पार्टनर जो हमारे बिजनेस पार्टनर है उनसे प्रॉब्लम है। हाँ तो ठीक है एक ही बात हो गई सातवां हाउस आपके बिजनेस पार्टनर का और लाइफ पार्टनर से भी प्रॉब्लम आपको रहेगी। थोड़ा वेट करिए दशाएं आने दीजिए वहां से भी आपको मजा मिलेगा चिंता मत करिए आपको समस्या तो आएगी। जी क्या नहीं कई ऐसी बात सात साल पूरे हो गए हैं बढ़िया है ऐसे बना रहे अच्छी बात है लेकिन देखिए मान के चलिए समस्या आएगी कब आएगी जब सेवंथ हाउस लॉर्ड की दशा आएगी या सेवंथ हाउस लॉर्ड पर बुरे ग्रहों का गोचर होगा। तब अगर आप देखिए एक चीज तो कंफर्म हो ही गई कि आपके पार्टनर आपको नुकसान दे रहे हैं ठीक है पार्टनर वही लाइफ पार्टनर नहीं है तो बिजनेस पार्टनर आपको नुकसान दे रहे हैं। लेकिन अगर जिस वक्त आपके बिजनेस पार्टनर चले जाएंगे उस वक्त लाइफ पार्टनर आपको नुकसान देंगे ठीक है। और जी बताइए और किसी का कुछ है? सर मेरे सूर्य बैठे हैं। नहीं बैठे कहाँ तो ठीक है लेकिन वो कहाँ की लॉर्डशिप है उनके पास? सर वृषभ लग्न है और फोर्थ हाउस के लॉर्ड। कहाँ के फोर्थ हाउस की? तो आपको प्रॉपर्टी से अपनी माता से या आपका जो फैमिली एटमॉस्फेयर होगा वो पीसफुल नहीं होगा? यस सर इस समय कुछ दिनों से और दिक्कतें होने लगी दशाएं अंतर दशा स्टार्ट हो गई हो। जी सर लॉकडाउन के समय से प्रॉब्लम और थोड़ी सी ज्यादा पड़ गई। हां एक्चुअली आपकी वृषभ लग्न की कुंडली हो गई टॉरस की ना? यस सर। तो लग्न में देख लीजिए अभी तक तो राहु केतु ही चल रहे थे और आप लॉकडाउन से बता रहे हैं कि डेढ़ साल हो गया डेढ़ साल में देखिए लग्न में राहु केतु अभी ट्रांजिट कर रहे थे अब हटे हैं वहां से अब वहां से हटे हैं और चले गए ट्वेल्थ हाउस आपके ट्वेल्थ हाउस तो समस्या तो आएगी अब ये सारे फार्मूले आपको देंगे ठीक। और बताइए और लोग कंफर्म करिए आप चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी गलत बोल रहे हैं संजीव जी हमने बोला एर्थ हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वह किस हाउस का लॉर्ड है ये देखना है। फोर्थ का सर। कहाँ का? फोर्थ में जो बात बताई वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है? हाँ जी जमीन की समस्या रहेगी। हाँ प्रॉपर्टी की समस्या रहेगी बिल्कुल रहेगी जी। अच्छा प्रॉपर्टी की समस्या रहेगी और अगर एक चीज और आप लोग फार्मूला नोट करेंगे किसी की कुंडली में अगर मंगल और राहु का या तो एस्पेक्ट हो जाए या युति हो जाए कंजंक्शन हो जाए मतलब किसी तरह से मंगल राहु दृष्टि से आ जाए या कंजंक्शन हो जाए युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमेशा समस्या रहेगी। और अगर कहीं फोर्थ हाउस लॉर्ड कहीं मंगल खुद बैठ गए वहां पर तो आप समझिए अपनी प्रॉपर्टी के लिए आदमी ना लड़ाई झगड़ा भी करेगा गोली वोली चला सकता और राहु कहीं बैठ गए तो हम मर्डर करवा देगा राहु बैठ गए तो आप समझिए एक मर्डर कंफर्म। प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है मंगल है तो लड़ाई झगड़ा होगा राहु आ जाए तो मर्डर हो जाएगा। जी फोर्थ हाउस में ना सर मंगल अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड एट हाउस में चला जाए तो समस्या यहाँ से देखने को मिली उसके साथ साथ कहीं पर मंगल और राहु का
आपस में कनेक्शन हो जाए। कनेक्शन कैसे, या तो एस्पेक्ट के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, या कंजंक्शन हो जाए, युति हो जाए, तो फिर वहां पर ये स्थितियां और डेवलप हो जाएंगी। इनके साथ अगर फोर्थ हाउस में मंगल की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो लड़ाई झगड़ा, और राहु की इन्वॉल्वमेंट है तो मर्डर, और मंगल राहु दोनों की इन्वॉल्वमेंट है तो लड़ाई झगड़े के साथ मर्डर। लेकिन उसके लिए आपको पहले फोर्थ हाउस लॉर्ड एट हाउस में चाहिए, तब ये आप पूरी कहानी बताएंगे, ठीक है। और किसी का कोई है? यदि केतु बैठा हो, नहीं अभी हमने वो नहीं लिया है, प्लेनेट अभी नहीं ले रहे, अभी हम हाउस की बात करें, अभी हम हाउस की बात करें। किस हाउस का लॉर्ड किस हाउस में? मंगल के साथ तो मेरा है केतु। नहीं नहीं, हम फिर ये बात कह रहे हैं, फोर्थ हाउस लॉर्ड पहले एट हाउस में है आपका? नहीं, फोर्थ का नहीं। तो नहीं है तो फिर पहला फार्मूला आप पहले लगाएंगे तब फार्मूला लगाएंगे ना, पहला आप ये फार्मूला। फोर्थ हाउस में है तो अच्छी बात है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस में तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रहेगा। हम अभी ये बात कर रहे हैं कि एट हाउस में कोई भी प्लेनेट अगर आया है तो वो कष्ट, भाई एट हाउस क्या है, पीड़ादायक, कष्ट, समस्या, तो उस व्यक्ति को कष्ट या समस्या या पीड़ा कहाँ से रहेगी, ये आप कुंडली देखते ही आप बता सकते हैं। देखिए कुंडली दो तरीके से देखी जाती है, एक होता है ना कि आपके सामने प्रश्न आ गया, क्वेश्चन आ गया, अब आपने सारा फोकस जो उसका क्वेश्चन था उस पे कर दिया, और एक एक को एक इस प्रकार का आता है कि आप हमारी कुंडली में देखिए, तो भाई कुंडली में व्यक्ति की अच्छी बातें तो नहीं बताएगा, जो उसके साथ समस्या रहेगी वही बात बताएगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि एर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वो किस हाउस का लॉर्ड है। आप सीधा बोल दीजिए भैया यहाँ से आपको समस्या है, अगर वो मना करता है कि हमको यहाँ की समस्या नहीं है तो आप देख लेना कि वहाँ की दशा अभी स्टार्ट हुई, जब ये दशा स्टार्ट होगी पक्का उसको समस्या। क्या नीरज जी क्या बोल रहे? विवेक जी आप अपनी आवाज, नहीं नीरज जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी। चलिए अब आते हैं दूसरा, अगर एर्थ हाउस को जो प्लैनेट देख रहा है, जैसे मान लिया एक एग्जांपल लिया हमने, चलिए मेष लग्न की कुंडली हो गई, मेष लग्न की कुंडली हो गई और शनि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, शनि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और सेकंड हाउस में शनि बैठकर एर्थ हाउस को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बताइए। देख रहे हैं। तो अब जो शनि एर्थ हाउस को देख रहे हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आपको समझाने की, एक मिनट देखिए। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर है, इसका लॉर्ड शनि यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप देखो एर्थ हाउस जिसका खाली है उसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, जिसके एर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट है, ये एर्थ हाउस हुआ ना, जिसके एर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट है उसके लिए ये बात नहीं लगेगी। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे एर्थ हाउस में प्लैनेट नहीं है उनके लिए देखिए, तो शनि यहाँ सेकेंड हाउस में बैठ करके एर्थ हाउस में वो दृष्टि दे रहे हैं अपनी कि नहीं दे रहे हैं? तो अब ये देखेंगे ये शनि कहाँ के लॉर्ड हैं, तो शनि 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, क्योंकि 10 और ये 11 नंबर आ जाएगा। तो आप देखेंगे इस व्यक्ति को प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, और कहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, और उसके सोशल सर्कल और फ्रेंड सर्कल से प्रॉब्लम रहेगी। तो जिनकी कुंडली में ऐसा है, अभी जरूरी नहीं कि शनि यहाँ पर ही हो, कोई भी प्लेनेट मान लीजिए, अगर जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए गुरु यहाँ पर आ गए, एक एग्जांपल लिया गुरु यहाँ पर आ गए और उसके एर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है,
तो देखिए गुरु की फिफ्थ हाउस की दृष्टि यहाँ पर जाएगी कि नहीं जाएगी? जी जाएगी जाएगी जाएगी, जाएगी। तो अब ये गुरु कहाँ के लॉर्ड हो जाएंगे यहाँ पर? एक तो नाइन्थ के लॉर्ड होंगे और एक तो बारहवें के लॉर्ड होंगे। तो नाइन्थ के लॉर्ड होंगे तो यानी उसके लिए समस्या कौन होगा? उसके लिए समस्या नाइन्थ में क्या बताया मैंने? उसका लक ही, उसका लक उसके लिए समस्या रहेगा और पिताजी भी उसके लिए समस्या रहेंगे। और बारहवां हाउस किस चीज का होता है? हस्बैंड और वाइफ के पर्सनल रिलेशन का होता है, तो ये भी उनके लिए समस्या रहेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? तो जरूरी नहीं कि यहीं पर कोई प्लेनेट बैठे तभी ऐसा होगा। अब बाकी प्लेनेट आप देख लीजिए यहाँ पर, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए जैसे गुरु यहाँ पर आ गए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इनकी दृष्टि चली गई, तो यहाँ पे गुरु भी समस्या आपको क्रिएट कराएंगे। अब गुरु कहाँ से संबंधित समस्या क्रिएट करवाएंगे? जहाँ के गुरु ये लॉर्ड होंगे, यानी इस कुंडली में अगर मेष लग्न की कुंडली है तो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड बनेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप बताइए जिसका एट्थ हाउस खाली है, जिसका एट्थ हाउस खाली है, उनकी स्थिति क्या है? क्या उनके साथ ऐसा कुछ चल रहा है? जी चल रहा है। गुरु की दृष्टि है जी, और गुरु की दृष्टि है कहाँ से? और गुरु हमारे सातवें हाउस के लॉर्ड है। गुरु आपके सातवें हाउस के लॉर्ड है जी। और वो कहाँ और वो कहाँ और वो कहाँ से दृष्टि दे रहे हैं? किस हाउस से? द्वितीय भाव से। अच्छा, दूसरे भाव से दे रहे हैं, ठीक है। तो सातवें भाव से रिलेटेड आपको समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, द्वादश में गुरु बैठे हैं जी। कौन? द्वादश में गुरु बैठे हैं जी मेरे। तो द्वादश में गुरु बैठे वहां से दृष्टि, नवी दृष्टि आ जाएगी। हाँ जी। तो नवी दृष्टि आई, तो आप बताइए गुरु कहाँ के लॉर्ड है आपके, किस हाउस के लॉर्ड है? गुरु हजी ये मिथुन लगन है जी। आप बताइए ना कहाँ के लॉर्ड है? मतलब आप बहुत पीछे चल रहे हैं इसका मतलब ज्योतिष में, भी आपने बहुत कुछ कवर नहीं किया है। दशम भाव के जी, दशम भाव के। दशम भाव के और कहाँ के लॉर्ड है? सप्तम भाव और दशम भाव। बहुत टाइम लग गया भाई रोहतास जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सप्तम भाव से संबंधित आपको समस्या होगी पत्नी से, और आपके कर्म प्रोफेशन से आप कभी सेटिस्फाइड ही नहीं रहेंगे। अष्टम भाव पर जी चार ग्रह की दृष्टि है जी, अष्टम भाव पर। तो चारों ग्रह की जो, और अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठे हैं कि नहीं बैठे? खाली है जी। खाली है। तो वो चारों ग्रह जिन जिन हाउस के लॉर्ड होंगे वहां से संबंधित आपको समस्या जीवन भर देखने को मिलेगी। सूर्य शुक्र शनि बुध बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो जहां जहां के वो लॉर्ड होंगे वहां वहां से संबंधित आपको समस्या आएगी। अब बात आएगी कब समस्या आएगी? अब जब जिसकी दशा चलेगी, जैसे मान लीजिए सूर्य की दशा चली, तो सूर्य जहाँ के लॉर्ड होंगे, कहाँ के? थर्ड हाउस के लॉर्ड होंगे। तो थर्ड हाउस यानी छोटे भाई बहन, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, यहाँ या ट्रेवलिंग। थर्ड हाउस तो ट्रेवलिंग का भी है ना, यहाँ से संबंधित आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो ऐसे आपको समझना जी। गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है ना, चंद्र और नहीं। देखिए मुझे ये ना बताइए प्लेनेट, मुझे हाउस से रिलेटेड जो दृष्टि है वो कंफर्म करिए कि वहां से समस्या है या नहीं। हाँ सर, समस्या है। मेरी चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव से, तो फैमिली में प्रॉब्लम रहती है। चतुर्थ हाउस कहाँ के लॉर्ड हो गए जी? चंद्रमा कहाँ के लॉर्ड हो गए? सेकंड हाउस में बैठे कर दे रहे हैं। नहीं, बैठे करके है वो तो एक अलग बात हो गई। जो चंद्रमा है वो किस हाउस के लॉर्ड है? फोर्थ हाउस के। हाँ, तो फिर फैमिली प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी जी, कल आया था। हाँ जी, एकदम बिल्कुल सही बात। तो आप समझ गए ना। अब आते हैं, अब तीसरा चीज लेते हैं। पहले मैंने क्या बताया कि जिसके एट्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठे हो, दूसरा मैंने बताया कि अगर किसी के एर्थ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा ही नहीं है, तो किसी के एर्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा तो वो क्या देखेगा? दृष्टि देखेगा। अब तीसरा हम क्या ले लें? तीसरा लिया जा सकता है
कि अगर कोई भी एर्थ हाउस पे कोई प्लैनेट बैठा भी नहीं है और किसी प्लैनेट की कोई दृष्टि भी नहीं है, तो उस केस में फिर क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल सी बात, राशि नहीं। हाँ एक मिनट, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा मिथुन राशि आ गई, यहाँ कन्या राशि आ जाएगी, एक एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर मान लीजिए मंगल बैठ गए, कौन बैठ गए? मंगल। ये थर्ड नंबर पे ये केस लगेगा, पहले नंबर पे क्या देखा जाएगा? एर्थ हाउस के प्लैनेट। समझ में आ गया क्या देखा जाएगा? पहले क्या देखा जाएगा? एर्थ हाउस प्लैनेट, एर्थ हाउस प्लैनेट। सेकेंड नंबर पे क्या देखा जाएगा? एस्पेक्ट यानी दृष्टि, एस्पेक्ट ऑन एर्थ हाउस। और थर्ड क्या देखा जाएगा? एर्थ हाउस में जो राशि है, ये किसी का माइक चल रहा है वो प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले। एर्थ हाउस में जो राशि पड़ी हुई है उसकी दूसरी राशि, जैसे मिथुन है तो मिथुन का लॉर्ड बुध हो गया, तो कन्या का भी तो लॉर्ड बुध हुआ ना, और कन्या राशि में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो ये मंगल का इफेक्ट कन्या के साथ साथ आपको यहां का भी देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग कहते हैं हमारे में ना दृष्टि है ना हमारे में कोई प्लैनेट बैठे, फिर हम क्या देखें? तो वो ये देख ले ये बात। अब देखिए ये अगर 6, 7, 8 यानी ये वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई कैसे? 6, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। तो एक यहाँ पर आ जाएगा, मैं लगता है एक यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए मंगल कहाँ पर बैठ गए? यहाँ पर बैठ गए ना, 11th हाउस में। तो मंगल 11th हाउस में बैठे तो कन्या राशि में है, लेकिन वो मिथुन राशि का भी इफेक्ट देंगे। ये कब देखना है? पहले नंबर पे आपको ये बात देखनी है एर्थ हाउस में प्लैनेट, सेकंड नंबर पर आपको ये बात देखनी है एस्पेक्ट ऑन एर्थ हाउस, एंड थर्ड नंबर पे ये बात देखनी है कि मंगल जहां पर, सॉरी मंगल बोल रहे हैं, एर्थ हाउस में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है, उस लॉर्ड की जो दूसरी राशि है उसमें बैठे प्लैनेट क्या करेंगे उसमें बैठे प्लैनेट, ऑटोमेटिकली इस व्यक्ति को यहां से भी रिलेटेड समस्या आएगी। मतलब जब मंगल की दशा अंतर दशा चलेगी तो व्यक्ति लोन लेगा, अगर क्या लेगा? लोन, क्योंकि 6th हाउस लोन का है, तो आप समझ लीजिए उसके कष्टों का समय स्टार्ट हो जाएगा। या वो जो ये क्या लग्न का भी लॉर्ड है मंगल, तो व्यक्ति अपने द्वारा ही समस्या क्रिएट करेगा। ऑब्वियस जो लोन लेता है व्यक्ति तो अपने कारण ही लोन लेता है, तो उसके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। क्या ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति की कुंडली में बनी हुई है? गुरुजी वैसे तो इतना पता नहीं है, बाकी लोन के कारण ही मैं सड़क पा रहा हूं। रोहतास जी हम लोग ना ज्योतिष वाली बात कर रहे हैं, तो आप ये बात तो बोलिए नहीं कि ये ऐसा तो पता नहीं। क्यों नहीं पता भाई? अगर आपको नहीं पता तो फिर ये तो यहाँ मौज मस्ती तो चलती नहीं है, इसलिए ये आपका जो आंसर है ना वो ज्योतिष के अनुसार ठीक नहीं है। हो सकता है किसी के अनुसार सही हो, लेकिन ये बात गलत है। आप देखिए आपकी कुंडली में अगर एर्थ हाउस में, पहले क्या देखना? एर्थ हाउस में ग्रह देखने हैं। हाँ जी। अगर एर्थ हाउस में ग्रह नहीं है तो दूसरे नंबर पे आप एर्थ हाउस पे ग्रहों की दृष्टि देखिए, जो दूसरा रूल मैंने बताया। और तीसरा रूल ये लगेगा, अगर दोनों चीज नहीं है तो तीसरा रूल लगेगा। पता चले कि तीसरा रूल लग रहा है आपके, तो क्या पहले एर्थ हाउस में कोई ग्रह है आपके? नहीं, दूसरा रूल लग रहा है। अच्छा, दूसरा लग रहा, काम खत्म, तब आप तीसरे पे मत उतरिए ना फिर, क्योंकि देखिए शंका नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। ये ज्योतिष में सबसे ज्यादा खराब है, ये आप भी डिस्टर्ब रहेंगे और जो आपसे सलाह लेने आएंगे वो तो बेचारे पता नहीं क्या वो समझेंगे, या तो वो बात को गलत समझेंगे या फिर गड़बड़ होगी। क्योंकि जब आप ज्योतिष ही कंफ्यूज है तो फिर वो दूसरे को सलाह क्या देगा? ठीक है ना,
इसलिए इस प्रकार की बातें यहाँ नहीं चल रही थी। तो तीसरा सूत्र को एक बार फिर से बताइए। हाँ फिर से बताते हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, ठीक है। तीसरा रूल थोड़ा सा नया होगा आप लोगों के लिए, तो मैं एक और एग्जाम्पल लेके दूसरा को एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए बताइए कौन सी लग्न की कुंडली ले ली जाए, बताइए वही ले लेते हैं। धनु की ले लेते हैं। धनु लग्न की ले लेते, ठीक है। धनु लग्न की ली हमने तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ कर्क आ जाएगी। अब यहाँ पे ना कोई ग्रह बैठे हैं और ना मान लीजिए कोई देख रहे हैं, तो अब देखिए कर्क में आ गया ना, तो कर्क की कोई दूसरी राशि नहीं है। तो कर्क की जब कोई दूसरी राशि नहीं है तो तीसरा फार्मूला अगर यहाँ 4 नंबर आ जाए या 5 नंबर आ जाए तो तीसरा फार्मूला इन राशियों के लिए वैलिड नहीं होगा। समझ में आ गई आपको बात? जी। क्यों नहीं होगा वैलिड? क्योंकि चार चंद्रमा की एक ही राशि है ना, तो यहाँ पे ऊपर के दो ही फार्मूले आप देखेंगे बस, ठीक है। समझ में आया? जैसे धनु राशि और मकर के लिए ये वैलिड नहीं होगी, मकर लग्न के लिए, क्योंकि मकर लग्न में 5 आ जाएगा, धनु में 4 आ रहा है। तो अब हाँ जी अब बताइए कोई दूसरी राशि ले लीजिए, उसका देख लेते हैं। कोई दूसरी राशि ले लीजिए, कुंभ ले लीजिए गुरु जी। क्या ले ले? कुंभ ले लीजिए गुरु जी। कुंभ ले ले, तो कुंभ में भी क्या आ जाएगा देखिए, भाई अब देखिए 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगी ना सिंह राशि। सिंह राशि, एक मिनट, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही तो आएगा, ये नहीं आएगा क्या? जी जी 6 आएगी सर। हाँ 6 आएगी, एकदम सही, 6, 5, 4, 3 यहाँ पे मिथुन राशि आ गई। अब देखिए कन्या बुध हो गया तो बुध की दूसरी राशि मिथुन में आ गई। अब बताइए मिथुन में कौन कौन से प्लैनेट हम बैठा दें? गुरु और मंगल बैठे गुरु जी। चलिए गुरु और मंगल देख लेते हैं हम लोग, है ना, गुरु और मंगल। अब देखते हैं गुरु मंगल तो 11, 12 ये हो गए, 11, 12 एक आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया और 9 यहाँ आ गए, इन्हीं का इफेक्ट आएगा। अब देखिए गुरु जो है वो सेकंड हाउस लॉर्ड है और 11th हाउस लॉर्ड है, और गुरु की यहाँ 1, 2, 3 कोई दृष्टि तो है नहीं गुरु की, लेकिन चूंकि ये तभी फार्मूला लगेगा जब यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है और साथ में इस पर इस हाउस पर 8th हाउस पर कोई दृष्टि नहीं है, तो गुरु लॉर्ड हो जाएंगे 11वें भाव के और दूसरे भाव के। तो 11वें भाव के लॉर्ड होने के कारण इसको फ्रेंड सर्किल और सोशल सर्किल इसके लिए नुकसानदायक रहेगी, और सेकंड हो जाएगा यानी इसकी अपनी फैमिली लाइफ और इसकी फाइनेंस इसके लिए समस्या रहेगी, और मंगल हो जाएंगे 3rd हाउस यानी छोटे भाई बहन, यात्राएं, डॉक्यूमेंटेशन, ये इसके लिए समस्या रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो 10th हाउस है, तो 10th हाउस क्या होगा, इसका जो प्रोफेशन होगा उससे सेटिस्फाइड ये व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फार्मूला तभी लगेगा जब ऊपर के दो फार्मूले ना लग रहे हैं। समझ में आई बात नहीं आई जी? तो जिसने ये पूछा क्या ऊपर के दो फार्मूले उसकी कुंडली में लग रहे हैं क्या, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है जी, राहु बैठा हुआ हमारे, तो फिर बात ही नहीं करनी ना, कोई प्लैनेट अगर बैठे हैं तो फिर बात ही नहीं करनी ना उस पर, तो ठीक है, क्योंकि प्लैनेट अगर बैठे हैं तो सबसे पहले उसी का रोल आ जाएगा, अगर प्लैनेट बैठे हैं तो सबसे पहले रोल उसी का ही आ जाता है, ये ध्यान देना आप लोगों को। तो कुछ बातें समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई?
गुरु जी एक प्रश्न पूछूं। हाँ जी बताइए क्या बोल रहे हैं। अगर प्लैनेट बैठा है तो फिर केवल प्लैनेट ही देखेंगे, फिर एस्पेक्ट नहीं देखेंगे? नहीं, तब एस्पेक्ट नहीं देखेंगे। ये एकदम सही बात पढ़ी, यही बात मैं शुरू से समझा रहा हूँ, और ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी यही बात बोली थी। जब कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठता है तो वो सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट वो डालेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे उसका एस्पेक्ट होगा, पहला और दूसरा लगे तो तीसरा रूट। ये प्रॉब्लम के लिए अब हमें ये देखना है कि कोई भी हाउस अच्छा है या बुरा है। जैसे मैं उस दिन लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि सेवंथ हाउस अच्छा या बुरा, तो हमने कहा पहले वहां पर बैठे प्लैनेट देखिए, अगर प्लैनेट वहां अच्छे हैं तो वो हाउस अच्छा हो गया, खराब है तो खराब हो गया। अगर वहां पर प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तब आपकी नजर जानी चाहिए उस पर, एस्पेक्ट पर, दृष्टियों पर, और दृष्टियां भी ना लग रही हो तब आप तीसरे पर उतर के आइए जो मैंने बोला। इसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्लैनेट भी लेते हैं, एस्पेक्ट भी लेते हैं, अंत में खिचड़ी बन जाती है, ना वो सही सलाह दे पाते हैं और खुद भी कंफ्यूज और अगले को भी कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए सही रूल को फॉलो करिए, सबसे पहले प्लैनेट देखिए आपका, अगर प्लैनेट बैठ गया तो काम खत्म, 99% वही आंसर आपको कर देगा। क्योंकि अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लैनेट अगर बैठा हुआ है तो उस पर एस्पेक्ट मत लीजिए, लीजिए उसकी और अच्छाइयों और बुराइयों में पता लगाने के लिए। जैसे एग्जांपल हमने कहा, मान लीजिए किसी के सेवंथ हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, एग्जांपल ले लिया, सेवंथ हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल सेवंथ हाउस में दंगल करवाएंगे, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे। अब यहां पे देखेंगे कि वो लड़ाई झगड़ा कितने स्तर तक, ये तो कंफर्म हो गई बात, होगा क्या उसकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा, ये कंफर्म पहले लिख दीजिए भैया, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जो मैरिटल, जो आप लोग के रिलेशन है, इसमें लड़ाई झगड़ा कंफर्म, पहली चीज कंफर्म। दूसरे नंबर पे देखेंगे वो लड़ाई झगड़ा कितनी हद तक कंफर्म होगा, तब आप देखेंगे ग्रहों की दृष्टियां, अगर उन पर गुरु की, शुक्र की, अच्छे बुध की, अच्छे चंद्रमा की दृष्टि आ जाए तो वो लड़ाई झगड़ा थोड़ा लिमिट में रहेगा। अब उस पर आ जाए शनि की, राहु की, केतु की, तो मारपीट से ज्यादा और भी बड़ी नौबत आ जाएगी। लेकिन आप किस चीज को बढ़ा और घटा रहे हैं, आप लड़ाई को बढ़ा और घटा रहे हैं, यानी दृष्टियां आपने किस चीज के लिए देखी। दृष्टियां जो सेवंथ हाउस में प्लैनेट बैठे थे उसकी, वो जो बात कह रहा था उस बात को और गहरा या हल्का करने के लिए आपने देखा। बात आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जी। बात समझ। जैसे कि मान लीजिए किसी के सेवंथ हाउस में गुरु बैठे हुए, तो आपने पढ़ा होगा कि जहां गुरु बैठ जाते हैं वो भाव खराब करते हैं, एक्चुअली वहां फैलाव आ जाता है, और गुरु तो साधु सन्यासी है, तो उसकी मैरिज लाइफ भी साधु सन्यासी जैसी रहेगी, तो ऑटोमेटिक उसकी जो मैरिज लाइफ है, मैरिज रिलेशन है, वो खराब हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि और कोई ग्रह तो वहां दृष्टि नहीं दे रहा है, खराब ग्रह दृष्टि दे रहे हैं तो गड़बड़, अच्छे ग्रह देख रहे हैं, भाई चलो हो जाएगी बात। इस प्रकार से आपकी एनालिसिस करनी, आप हर बात को खिचड़ी मत बना दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या यही देखने को मिलती है कि लोग ग्रह भी देख लेते हैं, दृष्टि भी देख लेते हैं, और दो चार फार्मूले किसी किताब से पढ़ लिए और सब लगा दिया, खुद भी कंफ्यूज अगले को भी कंफ्यूजन। तो ये चीजें आप बचिए। एकदम क्लियर समझ में आया है कि कोई कंफ्यूजन है आपको? जैसे अभी हम लोग मैरिज लाइफ की बात कर रहे हैं, तो आप जरा समझिए छठा भाव किस चीज का है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु, वो तो ठीक है, और बताइए किस चीज का है? शादी के लिए अगर हम कहें शादी के लिए कुंडली देखनी है, तो शादी में छठा भाव किस चीज का होगा? बारहवा पड़ेगा सर। शादी में
छठा भाव होता है पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाइयां होती है उसके पीछे का कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिएगा। पवन बल्लभ थेपलियान एक बुक है, उसमें इन्होंने एक जरा सा फार्मूला दिया। मैं बहुत घंटों तक सोचता रहा उस फार्मूले के बारे में आखिर लिखा क्यों, तब जाके मुझे कहानी समझ में आया। मैं कहा इस तरह से वो फार्मूला लिख रहा है, छठा भाव हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट होंगे ना उनको दर्शाता है। अब आप देखिए सेम फार्मूला लगाइए और सब लोग अपनी अपनी कहानी सुनाइएगा। छठे हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, सबसे पहले तो बैठा ही देखेंगे ना, छठे हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वह प्लैनेट जिस हाउस का लॉर्ड होगा, क्या मैं बोल रहा हूं, छठे हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वह प्लैनेट जिस हाउस का लॉर्ड होगा उस हाउस के कारण ही पति पत्नी के बीच में दिक्कतें आएंगी। एक तो एग्जांपल देते हैं, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर छठे भाव में आ जाए, ये किसकी कुंडली में देख रहे हैं, जिसकी समस्या पता लगानी हो। देखो पत्नियों कोई समस्या नहीं होती, पति कोई समस्या होती है। हाँ मतलब आप दोनों लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारा कोई और मकसद नहीं है बोलने का। तो आप देखेंगे थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर, देवेंद्र जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में आ जाए तो व्यक्ति के छोटे भाई बहनों के कारण उसके और उसकी हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई कारण बनेगा। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड 6th हाउस आ जाए तो व्यक्ति की सास मतलब उसकी वाइफ होगी तो सास, लड़का होगा तो उसकी माँ। दूसरा भाव का गुरुजी, दूसरा भाव का फैमिली, फैमिली और फाइनेंस। आप मुझे पैसे नहीं देते घर चलाने के लिए, आप जो अपने जेब में सारा पैसा डाले घूमते हैं, पता नहीं पैसा आता कहाँ चला जाए। ये जो मैं नरे यूज कर रहा हूँ लैंग्वेज, ये प्लैनेट बुलवाते हैं। ये तो व्यक्ति कहता, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्लैनेट बुलवा रहे। अगर सेकेंड हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आ जाए तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई का मेन कारण पैसा रहेगा, फाइनेंस रहेगा, और उसके परिवार वाले रहेंगे, उसके परिवार वाले रहेंगे। तो आपका सेकंड हाउस लॉर्ड 6th हाउस में है क्या सुरेंद्र जी? नहीं सर, खाली है। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। क्या चीज खाली है? 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस खाली है। जी सर, जी सर, जी सर, मैं लिख रहा हूं, इसलिए पूछ रहा था आपसे। अच्छा कोई बात नहीं, दृष्टियां देख लीजिएगा, दृष्टियां ठीक सर। हाँ जी, अब जैसे सर, एक सर मेरा छठे भाव में, मेरा सेवंथ का लॉर्ड 6th में है सर। हां तो सेवंथ हाउस लॉर्ड अगर 6th में है तो बिना बात के बात ही उलझन का कारण, क्योंकि सेवंथ हाउस लॉर्ड अगर 6th में चला गया तो व्यक्ति बिना बात के उलझता रहता है, कोई भी कारण नहीं तब भी उलझता रहता है, क्योंकि साथ में मंगल केतु भी बैठे हैं साथ में। तो कहां पे, छठे हाउस में कि सातवें हाउस? छठे हाउस में। आप छठे हाउस में जब मंगल और केतु बैठे हैं तो मंगल सात का स्वामी, मंगल सात का स्वामी हो गया। और कहां का स्वामी है मंगल? और वृषभ लग्न है ना। हाँ, तो कहां का स्वामी हो गया? तो एक सेवन, ट्वेल्थ। तो व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में भी समस्या देखी जाएगी, हस्बैंड वाइफ की जो अपनी मतलब की मैरिज लाइफ होती है वहां पर भी समस्या देखने को मिलेगी। अगर 6th हाउस में आता है तो ये प्रॉब्लम आपको देगा। ऐसे ही झगड़ा किस बात से हो रहा है वो पता नहीं चलता। हां उठलेगा नहीं ना, 7th और 6th हाउस लॉर्ड यहां पर है, क्योंकि बिना बात के बात प्रॉपर बन के आएगी। हां पता नहीं चलता सर। हां जी, अगर ऐसे 5th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए, सॉरी 6th हाउस में, तो व्यक्ति की पहली संतान, व्यक्ति की पहली संतान हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई का कारण बनेगी। तुम बच्चों पर ध्यान नहीं देते हो, ये नहीं करते वो नहीं करते हो, ये इस प्रकार के आपको सुनने को वाक्य मिलेंगे। ये एक्चुअली वाक्य प्लैनेट बुलवाते हैं। आदमी कहता हम बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, वो उसका प्लैनेट बोलता है।
तो इस प्रकार से तो आप लोग जरा उसको करेक्शन करिए, बताइए भाई है किसी के साथ सिक्स हाउस में जहाँ का लॉर्ड बैठा वहाँ देखिए वहाँ किस कारण प्रॉब्लम है या नहीं। दूसरा तीसरा आपको लेके मेरा प्रणाम सास या चतुर्थ हाउस लॉर्ड इसमें सिक्स हाउस में ना जी हाँ सास या फैमिली एटमोस्फियर भी गड़बड़ करेगा, फैमिली एटमोस्फियर भी जो समस्या क्रिएट कराएगा। और सर अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो और वो सिक्स्थ हाउस में कारक माना जाता हो जैसे सैटर्न हो गया कर्क लग्नी कुंडली में सेवंथ हाउस का लॉर्ड वो हो गया शनि हो गया और वो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है लेकिन सिक्स्थ हाउस में शनि का कारक माना जाता है तो भी प्रॉब्लम देगा। ये दिमाग से हटा दीजिए ये सारी बातें, ये जहाँ की ज्योतिष है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कारक कब देखे जाते हैं ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो हम उलझन देख रहे हैं जी क्या गुरु जी अगर फर्स्ट हाउस का मतलब प्रॉब्लम देगा अगर वो अरे 101% देगा 1000% देगा, इसमें कोई इफपट नहीं है। और कोई कहता मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है तो कह दो बस वेट करो ये आने वाली है प्रॉब्लम, हमारे पास जो फार्मूले उसमें नहीं की कोई चीज नहीं होती, होनी है तो होनी है। हाँ जी सर मेरे हस्बैंड का सेवेंथ हाउस में और लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, मतलब गुरु बैठे हुए हैं उनके सिक्स्थ हाउस में। सेवेंथ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में जी सर। देखिए सेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आते हैं तो बिना बात की बात की एक उलझन होती है, और दूसरी ये ना कि जो व्यापार होता है ना सेवेंथ हाउस में उस कारण से भी उलझन देखने को मिलती है हस्बैंड वाइफ में, क्योंकि सेवेंथ हाउस तो व्यापार का भी है ना, तो उस कारण से भी सही कह रहे हाँ तो उस कारण से भी उलझन वहां पे देखने को मिलेगी। सर उनके गुरु बैठे हुए हैं, गुरु बैठे टेंथ हाउस के भी हो गए बिल्कुल हाँ, सर टेंथ हाउस में भी तो टेंथ हाउस में हो गए, तो इसका मतलब प्रोफेशन से भी रिलेटेड आपके आप लोगों के बीच में जो लड़ाई का मेन कारण होगा वो उनका प्रोफेशन होगा और व्यापार होगा। पांच में से गुरुदेव क्या पांच में नहीं समझ नहीं आ रहा, एक लोग बोलिए क्या बोल रहे पांचवें का स्वामी है जो कि छठे भाव में है, पांचवें का लॉर्ड छठे हाउस में है ना, पहली संतान से समझ हाँ जी पहली संतान की वजह से आप पांचवें हाउस पहली संतान कारण बनेगी और पांच पहली संतान कारण बनेगी और दूसरा कारण जो बनेगा वो कौन बनेगा, अगर शादी नहीं हुई होगी तो भाई जो आपके अगर आपने लव अफेयर किया होगा तो वो भी एक समस्या रही होगी उसमें, शादी से पहले आज शादी हो गई चलिए बढ़िया है, उससे पहले कोई अफेयर लव अफेयर चला आपका नहीं चला नहीं चलिए अच्छा रहा, नहीं तो वो भी एक समस्या रहती शादी के बाद, कभी कभी लोग उसके कारण भी उलझ जाते हैं ये भी एक रीजन होता है। पांचवा हाउस प्रेम और रोमांस का भी है ना, और छठा हाउस तो डिस्प्यूट्स का है, तो कभी कभी ये देखा जाता है फिफ्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो पहली संतान और जो व्यक्ति के पहले पूर्व जन्म तो न बोलिए जो पहले उसने कार्य किए हुए हैं उस कारण से भी समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है हाँ जी क्या देखिए छठा छठे हाउस में आ जाए तो छठा छठे हाउस में आ जाए यानी व्यक्ति के हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन खराब होंगे वो लोन के कारण खराब होंगे, व्यक्ति लोन लेगा उसके कारण से हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन खराब होंगे या जॉब के कारण खराब होंगे। अभी शैलेश जी शायद पूछ रहे थे कि वहां कारक है, हम कह रहे हैं उसका लॉर्ड भी वहीं पर बैठ जाए जो और मजबूत हो जाए फिर भी समस्या देखने को मिलेगी, छठे हाउस का लॉर्ड छठे हाउस में आ जाए फिर भी वहां से रिलेटेड वो डिस्प्यूट देगा तो देगा कन्फर्म है देगा। जी रेमेडी सर मतलब उपाय अच्छा रेमेडी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना, एक तो आपको पता चल गया तो वो एक रेमेडी बन गई। अब मान लीजिए रेमेडी के लिए करना क्या है, जैसे कि पहले वाली बात करते एर्थ हाउस की, तो जिस हाउस का लॉर्ड अगर एर्थ हाउस में चला जाए तो एर्थ हाउस से रिलेटेड कोई चीज आदमी उठा ले खुद उठा ले
तो वो एक रेमेडी का काम करती है, वो एक रेमेडी का काम करती है। जैसे कोई एग्जांपल दीजिए हमें, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ गया तो व्यक्ति अपने लिए ही समस्या है, तो व्यक्ति को कोई काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए। और अगर उसको जरा सा भी लगे नहीं ऐसा नहीं हो तो फिर वो काम ना करे, क्योंकि उसको वो कन्फर्म है कि उसको धोखे बहुत मिलेंगे और अपने कारण ही उसको नुकसान होगा। दूसरे हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस आ जाए, दूसरे हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस आ जाए तो व्यक्ति क्या करे वहां पर कि दूसरा हाउस किस चीज का, फाइनेंस का है और परिवार का है, दूसरा हाउस क्या है परिवार का और किसका फाइनेंस का है, तो कुछ चीजें अपने लिए वो मेंटेन कर ले कि ये आगे हमें समस्या ना दे, तो वो पहले से उन चीजों को क्या कर ले अपने लिए सावधानी पूर्वक बात रखे कि ये आगे हमें जीवन में समस्या देगा, इसलिए फाइनेंस से रिलेटेड हमें जो प्रॉब्लम होने वाली है तो वो एक्सेस खर्चा ना करे। यानी आप ये देख पा रहे हैं कि उपाय तभी अच्छे काम करेंगे जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, उपाय तभी काम करेंगे जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम देते हैं, फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस आ जाए, फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस आ जाए तो क्या होने वाला, व्यक्ति को अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या है तो सबसे पहली बात ऐसा व्यक्ति ये समझ ले कि वो व्यक्ति प्रॉपर्टी जहां पर वो पैदा हुआ है वहां पर वो ना ले, वहां पर वो ना ले। और अगर वो प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो लोन पर प्रॉपर्टी ले ले। क्यों मैंने बोला, क्योंकि चौथा हाउस सिक्स्थ हाउस में आया, सिक्स्थ हाउस लोन हो गया, तो अगर वो लोन लेकर लेगा प्रॉपर्टी तो कभी भी प्रॉपर्टी में उस पर लिटिगेशन में नहीं जाएगा, वरना वो लिटिगेशन में पक्का फंस जाएगा। लिटिगेशन यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में प्रॉब्लम दे रहा है उसी प्रॉब्लम से उसका सलूशन निकाल लीजिए, यानी वहां की चीजें खुद ही करने लगी। अगर एक चीज आप खुद ही कर लेंगे तो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम फिर समस्या नहीं आएगी देखने को। गुरु जी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो व्यक्ति अगर मान लो कोई दिल्ली में पैदा हुआ है तो वो हरियाणा में घर ले या यूपी में घर ले। कब की बात बता रहे, क्या कॉम्बिनेशन क्या था बताइए। मैं जैसे फोर्थ हाउस का लॉर्ड आप बोले ना, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, जैसे अभी मैं एक बात बताते बताते रुक गया, सेकेंड हाउस का लॉर्ड किसी का एर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो एर्थ हाउस क्या होता है ना गुप्त दान का होता है, गुप्त दान। हमारे सनातन धर्म में लिखा भी है कि दान हमेशा गुप्त देना चाहिए, और उसको पता है उसको फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो वो ना गुप्त दान दे दिया करे, मंदिर में जाके गुप्त दान दे दे या कहीं पर भी जाके दान दे दे। अभी नहीं कि वहां गए दान दिया और वहां सेल्फी ले ली अपनी, सेल्फी और पे लेने की जरूरत नहीं है तो आपका दान बेकार हो जाएगा। गुप्त दान दे, गुप्त मतलब उसने दाहिने हाथ से अगर पैसा दिया है तो उसके बाएं हाथ को भी खबर ना हो। तो ये सेकंड हाउस जिसका एट्थ हाउस में जो लोग लिए बैठे हुए हैं उसका सबसे बड़ा उपाय ये है, फाइनेंस से रिलेटेड उसको समस्या कभी नहीं आने वाली, कभी नहीं समस्या। अरे प्रॉब्लम्स केवल उनकी दशा में, गुरु जी प्रॉब्लम्स केवल उनकी दशा में आएंगी या कभी भी आ सकती हैं? देखिए प्रॉब्लम एट्थ हाउस सिक्स्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस हमेशा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टार्टिंग का, एक मिनट, प्रॉब्लम स्टार्टिंग का समय दशा होती है और दशा खत्म होने के बाद भी वो प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम और कुछ चीजें, कुछ चीजें तो ऐसे भी, एक मिनट मैडम एक मिनट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें स्टार्ट हो गई, जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा हुआ तो व्यक्ति को फैमिली और फाइनेंस से रिलेटेड समस्या तो आएगी। अब ये कब आएगी, लगी रहेगी स्टार्टिंग से, वो तो हमेशा लगी रहेगी। कब, जैसे ही व्यक्ति कमाना स्टार्ट करेगा अपना पैसा लाएगा समस्या स्टार्ट हो गई। तो कुछ चीजें ऐसी होती जो दशाओं से लिंक करती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिस जो एज के अनुसार लिंक करती है, एज के अनुसार लिंक करती है। तो अब एज के अनुसार लिंक कर गई, जैसे भाई उसका फाइनेंस उसको प्रॉब्लम दे रहा है तो जब वो खुद फाइनेंस लाएगा तभी तो प्रॉब्लम आएगी ना। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ऐसा नहीं कि दशाएं आएंगी तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, लेकिन उससे पहले भी या उससे बाद भी प्रॉब्लम देखी जाएगी। जी गुरु जी, बताइए।
स्वामी भाव का, जैसे गुरु जी टेंथ भाव का, दशम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी एक हो, या आप अभी बताए थे कि लग्न भाव का स्वामी एक भाव में आ जाए तो मंगल भी हो सकता है, तो गुरु जी वो दोनों जगह का फल देगा। देखिए उसके लिए मैंने आपको रूल बता रखा है कि जब कोई भी ग्रह दो भावों के स्वामी होते हैं तो सबसे ज्यादा फल किसका देगा? मूल त्रिकोण राशि का। बिल्कुल, ये मैंने पहली क्लास में बता रखा है, और लास्ट क्लास में भी कुछ ऐसी बात चली थी तो मैंने कहा था ये बात फिर गलत हो रही, जब भी ऐसी समस्या आएगी तो हमेशा मूल त्रिकोण की बात देखी जाएगी। सर मेरे पास भी एक कुंडली है गुरु जी मैं पूछूं अभी, मंगल और शनि दोनों है, आठवें भाव में मंगल और शनि दोनों है, तो आप देखिए मंगल और शनि किस हाउस के लॉर्ड है? एक तो कुंभ लग्न में, कुंभ के हो गए और मकर के हो गए। लग्न बताइए, लग्न बताइए। कुंभ लग्न है सर, कुंभ लग्न है, तो शनि हो गए, तो उसको बारहवें और ग्यारहवें घर से समस्या आने वाली है, यानी वो व्यक्ति अपने आप में ही समस्या का कारण रहेगा। और मंगल आ गए तो मंगल किस हाउस के लॉर्ड हो गए? पहले और आठवें के सर। क्या जी, कहाँ के हो गए? पहले और आठवें के सर। पहले के कैसे हो जाएंगे? कुंभ लग्न की कुंडली है ना, कुंभ लग्न की कुंडली सर। थर्ड और टेंथ की, तो बस मतलब यानी कि अब देखिए तो थर्ड और टेंथ की, तो यहाँ मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ी? मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? थर्ड में पड़ी। अब चूंकि थर्ड में पड़ी तो थर्ड यानी उसके छोटे भाई बहन, उसके डॉक्यूमेंटेशन के काम, ये उसके लिए समस्या रहेंगे। कोई भी अगर वो उसको लिखा पढ़ने वाला काम है ना, तो उसको सूट नहीं करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ गलतियां उसमें करेगा। और यहाँ पर चूंकि एक मिनट, यहाँ पर भी जो है क्या मेरे हस्बैंड की कुंडली है और आईटी सेक्टर में काम करते हैं, अरे तो पक्का समस्या रहेगी। और ऐसा व्यक्ति अपने जॉब से भी अनसेटिस्फाइड रहेगा, अनसेटिस्फाइड अपने आप, मतलब अपनी जॉब से भी कभी कभार के अक्सर ही रहेंगे कि यार ये छोड़ के हम दूसरा काम करते तो ज्यादा अच्छा था, ऐसा है? नहीं सर, अभी तो सैलरी वगैरह सब कुछ ठीक है। सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं है, सैलरी मैंने नहीं बोला, 11th हाउस को मैंने सेकंड हाउस को इन्वॉल्व नहीं किया, सेटिस्फेक्शन की बात होती है। सेटिस्फेक्शन केवल सैलरी से नहीं देखी जाती, बहुत सारे ऐसे जॉब है जिसमें 5-5, 10-10 लाख पर मंथ सैलरी है, फिर भी वो लोग से मिल लीजिए तो लगेगा कि बस अब ये मरी जाएंगे, जॉब छोड़ के भाग जाएंगे। सैलरी कभी भी पैमाना नहीं होती सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन का। किसी की 2000 रुपए भी सैलरी है लेकिन वो अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड है, किसी की 10 लाख रुपए सैलरी है फिर भी वो अपने काम से अनसेटिस्फाइड है। तो आप जब भी इनसे बात करेंगी तो उन्हें लगेगा ये काम कुछ और कर लेते तो बहुत बढ़िया था। एक तो ये प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी, और दूसरा इनके डॉक्यूमेंटेशन के काम, इनसे लिखते पढ़ते समय, कुछ भी करते समय इनसे मिस्टेक पक्का होती होगी, और वो मिस्टेक इनके लिए कभी ना कभी समस्या भी क्रिएट करवाएगी और छोटे भाई बहन भी क्रिएट करवाएगी। अब बात आती है कि इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा क्या मिलेगी, सब लोग बताइए, यानी थर्ड हाउस का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा कि टेंथ हाउस का? मंगल की कौन सी है? मेष कहाँ पड़ी है? थर्ड हाउस में पड़ी हुई है, थर्ड हाउस में पड़ी। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन इनके लिए प्रॉब्लम करेगा, यात्राएं इनके लिए प्रॉब्लम करेंगी, इन्हें यात्रा करना, जब मंगल की दशा या अंतर दशा आएगी तो यात्रा इनको करनी पड़ेगी, वो यात्रा भी इनके लिए नुकसानदायक रहेगी। यात्रा में कोई नुकसान हो जाए, यात्रा में कोई चीज चोरी हो जाए, ये चीज भी यहाँ पर इनको देखने को मिलेगी। समझ में आ गया गुरुजी? 8 का स्वामी उच्च का होके थर्ड में बैठा है। बात समझिए, मैंने कहीं बोला कि आप राशि लीजिए, मैंने कहा इस हाउस का लॉर्ड यहाँ पर आ जाए, यानी हम लोग हाउस खेल रहे हैं, हम लोग ये नहीं ले रहे हैं कि अच्छा। कोई भी प्लैनेट उच्च का है कि नीच का है कि अपनी राशि पे है कि क्या राशि पे, हम ये ले ही नहीं रहे। तो लॉर्ड सर थर्ड में बैठा है क्या? था नहीं समझ नहीं क्या एट का
एट का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, उल्टा क्यों लगा रहे हैं? हम लोग एट हाउस में देखेंगे ना किसका लॉर्ड बैठा है। एट हाउस खाली है सर, खाली है तो खाली है तो दूसरी चीज क्या बताई लगाने के लिए? अच्छा दृष्टि, दृष्टि लगाई। खाली है तो परेशान क्यों, दृष्टि लगाइए। और दृष्टियां भी नहीं है तो तीसरा रूल मैंने बता दिया, अगर दृष्टि ही नहीं लग रही है तो तीसरा रूल लगाइए। अच्छा तो उसका स्वामी बात हो रहा है। ओके सर, क्या दृष्टि नहीं है तो स्वामी, उसका स्वामी देखना है। जी 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 गुरु जी, ये तीसरा भाव चतुर्थ भाव पर लिख नहीं पाए तो चार भाव। सर आप रेमेडी बता रहे हैं गुरु जी, दृष्टि नहीं लग रही है सर तो आप बताना देंगे सबको। आप बहुत प्रश्न करते हैं कभी कभी। ओके ओके आप बोलिए। तो समझ में आ गया ना, रेमेडी में हम लोग ये बात कर रहे थे कि जिसका जिस हाउस का कनेक्शन है ना उस हाउस की कुछ ना कुछ काम कर लीजिए। सेकेंड हाउस फाइनेंस का है, एट हाउस में चले जाइए, गुप्त दान दे दीजिए। थर्ड हाउस एट हाउस में आ जाए, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी है, कंफर्म आनी है, उसकी अपनी राइटिंग के कारण, उसके अपने सिग्नेचर के कारण, उसके अपने कलीग के कारण उस व्यक्ति को समस्या आनी है, कंफर्म आनी है। कब आएगी? दशाएं बताएंगी, चिंता न करें। जरूर सर पूछना था। अब थर्ड हाउस लॉर्ड अगर एट हाउस में आ जाए तो बताइए, आप लोग सोच के बताइए क्या रेमेडी होनी चाहिए। आपको पता है दोनों हाउस के बारे में पता है, क्या रेमेडी की जाए? साहब करें सर, लिखे राइटिंग करें। जी क्या? राइटिंग साहब। जी क्या गुरुजी? साइन करें, सोच समझ के साइन करें। सोच के, सोच समझ के साइन करें, जहां भी साइन करना हो। हाँ, सोच समझ के साइन करें। और बताइए, बिल्कुल सही बात है, सोच समझ के पढ़ के साइन करें, या कोई भी जो भी उनको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं वो भी एक बार पढ़ लें कि कहीं कुछ ऐसी चीज तो नहीं लिख दी गई है वहां पर। आदर करें सर। क्या छोटी यात्रा आदर करें, मतलब के साथ अच्छे से रहें। आवाज नहीं आ रही शैलेश जी, आप ये कह रहे छोटे भाई में। एक ये बहुत बढ़िया उपाय बनेगा, छोटे भाई बहनों को गुप्त दान दे दिया करें। मतलब ये नहीं कि आपने गुप्त दान दिया जाके डोरा पीटा है, गुप्त दान दिया पता भी नहीं चला, भाई को जो है या बहन को 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिया बिना बताए, उस बहन को ही बिना बताए, उसको बाद में समझ में आया किसने दिया था। छोटे भाई बहनों को गुप्त दान दे दीजिए तो बच जाएंगे। पता लगने पर तब पत्नी से समस्या हो जाएगी। हाँ एकदम पक्का समस्या, नहीं तब समस्या होगी जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में आ जाए। और थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में आ जाए तो आप समझिए महाभारत आपके घर में होने वाली शंखनाद हो चुका है। आपने जहाँ अपने छोटे भाई बहन, अगर थर्ड हाउस लॉर्ड कोई भी सिक्स हाउस में लेके बैठा हुआ है और आपने अपने छोटे भाई बहन को चवन्नी भी दे दी और आपकी पत्नी को पता चल गया या आपके पति को पता चल गया जिसकी कुंडली में है, उसके घर में महाभारत का शंखनाद हो चुका है। इसलिए ऐसे दान में, ऐसी चीजों में गोपनीयता एकदम बढ़ते। और आठवां हाउस तो गोपनीयता का ही, ये सेल्फी लेने वाला हाउस नहीं है, जहां सेल्फी लेंगे वहां आपको तमाशा देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए। गुरुजी मेरा सिक्स हाउस में केतु है, उसका नहीं, नहीं, अभी अभी प्लैनेट नहीं ले रहे हम लोग, अभी आज हाउस हाउस खेल रहे हैं, अभी थर्ड शुरू हुआ, थर्ड चल रहा है, फोर्थ हाउस लॉर्ड। हाँ क्या बोले ललित जी? यही कह रहा था गुरुजी, भी फोर्थ शुरू होना है, थर्ड तक हुआ है। अब फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर एट हाउस में आ जाए तो सबसे बढ़िया है वो व्यक्ति अपना घर खुद ना बनावे। क्यों? कन्फर्म है उसको उसके पूर्वजों का घर मिलना, कन्फर्म है उसके अपने जो भी उसके इंसेस्टर, उसके माता पिता या उसके दादा का घर उसको मिलेगा। अगर कोई भी इंसेस्टर या इन लॉस से अपने ससुराल से मिलेगा उसको धन, उसी का ही धन यूज करें। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड जो लोग एट हाउस में लिए बैठे हैं उन्होंने अगर अपनी प्रॉपर्टी बना ली तो देखिए एक तो समस्या उनको देखने को मिलेगी, कन्फर्म मिलेगी, और उसका वो सुख भी नहीं ले पाएंगे। मेरी है। आपकी है तो आपने प्रॉपर्टी बना ली, मकान बनाना चाह रहे थे। अरे मत बनाइए, मकान बनाना सोच रहे सर, मैं मकान बनाऊं ससुराल से मिल रहा है, चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं थोड़े पैसे ससुराल से ले लीजिए।
भाई सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया मत लीजिए, बनवाइए नहीं, ससुराल से मिल जाएगा, ले लेंगे तो ऐसे भी नाम हो जाएगा ले लिया पैसा, मिलेगा ना, कंफर्म है ना, मिलेगा तो फिर काहे के लिए भाई अपना नुकसान करना चाहते हैं। पता चला जो ससुराल से जो धन मिला वो जो आपने यहाँ नुकसान किया था उस नुकसान की पूर्ति करने में चला गया ससुराल का धन या आपके पूर्वजों का धन। इसलिए फोर्थ हाउस लॉर्ड जो एट हाउस में लिए बैठे हैं वो अपना घर कभी ना बनवाए, उनको पूर्वजों से घर मिलेगा, उस पूर्वजों से जो घर मिलेगा बाप दादा से या ससुराल से घर मिलेगा उसमें अपनी भले वो मरम्मत कराना चाहे तो करा ले, ठीक है, लेकिन अपना वहां खरीदने वरीदने के चक्कर में ना फंसे। तो ये रेमेडी हो गई फोर्थ हाउस लॉर्ड एट हाउस में आ गया, तो क्योंकि जब भी फोर्थ हाउस लॉर्ड एट हाउस में आएगा और व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बना ली उसको इतनी समस्या आएगी वो मतलब उसकी फैमिली लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, डोमेस्टिक मतलब जो फैमिली एटमोसफियर होगा वही खराब हो जाएगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड एट हाउस में आ जाए तो अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान देते रहे, बच्चे पर ध्यान जरूर दे, पहली संतान पर स्पेशली। छठा हाउस लॉर्ड एट हाउस में आ जाए उसका एक ही कैसा ध्यान दे गुरुजी, बच्चे पे कैसे ध्यान दे गुरुजी, बच्चे पे कैसे ध्यान दे, अपनी पत्नी को दिखा दिखा के ध्यान दे, देखो हम ध्यान दे रहे हैं, शोभाजी खन्नी बाकी किसी को नहीं दिखाई। ध्यान देने का मतलब है कि मतलब उसकी केयर करिए। और अब फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस है तो और अच्छी बात उसके लिए बताते हैं। देखिए फिफ्थ हाउस एजुकेशन का भी और एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी का है, तो ऐसा व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है तब भी फिफ्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस का रेमेडी हो गई। आप कोई एक चीज उस हाउस से कर लीजिए काम कर गुरुजी, मेरे ईमेल में ये फिट बैठा है गुरुजी, तो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूं, तो मेरा हो गया उपाय, हो गया रेमेडी, हो गई अब आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब चिंता नहीं है आपको। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में जो लोग लिए बैठे हैं और वो जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं तो कभी जीवन में कर्ज मत लें, जीवन में कभी कर्ज मत लें, कर्ज नहीं लेंगे तो क्या कर क्या होगा उनके साथ बताइए। कर्ज नहीं लेंगे जो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में लिए बैठे हैं तो क्या होगा उनके साथ अगर नहीं लेंगे, बताइए। बीमारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, तो अब क्या करें बताइए, उसका इलाज, उसका इलाज कर लें, जाके हॉस्पिटल के अंदर गुप्त दान दे आए, जरूरतमंद लोगों को दवा दे आए, क्यों छठा हाउस क्या हो गया मेडिसिन का भी हो गया ना, रोग ऋण शत्रु, एक तो लोन नहीं लिया तो समस्या नहीं आई, फिर बीमार पड़ेंगे आप तो बीमार पड़ेंगे तो क्या करना है आपको, बीमार पड़ेंगे तो क्या करना है आपको, ऑटोमेटिकली जो है आप अपने हाँ आप दवाई का दान दे दीजिए जाके। लेकिन ध्यान रखिए आप आठवें हाउस का इलाज कर रहे हैं और आठवें हाउस को एक ही चीज से एलर्जी है जो आजकल का समय आ गया है, सेल्फी का। सेल्फी अगर जहाँ आपने ली तो समझ लीजिए आठवां हाउस जो अपना तांडव करेगा ना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेल्फी मत लीजिए। दाहिने हाथ ने दान दिया बाएं हाथ को भी ना पता चले, वही दान माना जाएगा। सिक्स्थ हाउस बता दिया, सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस आ जाए अब क्या करें, ये तो बहुत लोग लिए बैठे होंगे सर। लाइफ पार्टनर सेवन हाउस नहीं, वो तो लड़ाई होनी है, क्या करें, लॉर्ड एट में या सिक्स में, सेवन आप लोग एट की बात कर रहे हैं ना, सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ जाए तो क्या करना चाहिए, पत्नी को खुश रखें। अरे खुश तो कभी नहीं होगी, सातवां आठवें में खुश कहां से होगा, खुश करने में भी दिक्कत हो जाएगी, पति को भी तो खुश रख सकते हैं। खुशी करने के लिए उपाय सोचा जा रहा है, सातवें हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ जाए तो क्या उपाय करने चाहिए, पत्नी को ससुराल घुमाया है करिए, पत्नी को या पति को ससुराल घुमाया है करिए, खुद ही ससुराल लेके चले जाइए, खुद ही ससुराल लेकर चले जाइए, क्योंकि सातवां हाउस तो पत्नी का हो गया, आठवां हाउस तो ससुराल का भी है ना,
जी गुरु जी फिट बैठता है। हाँ एकदम ठीक बैठेगा, सबसे बढ़िया उपाय भी यही फिट बैठेगा। आप देख रहे हैं उपाय उपाय किसी किताब के बता रहे हैं क्या आप? नहीं, यही मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे उपाय आप लोग बताएं। आपको जो हाउस पीड़ा दे रहे हैं उन्हीं हाउस से एक चीज उठा लीजिए। और कहां से? जिनका रिलेशन बन रहा है, जिनका रिलेशन बन रहा है आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। नाइन्थ हाउस एट्थ हाउस में आ जाए क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया उपाय है। नाइन्थ हाउस अगर एट्थ हाउस में आ जाए तो मंदिर में दान करें। मंदिर क्या? मंदिर मंदिर जाए, मंदिर जाके गुप्त दान दे दे। मंदिर जाए नहीं, मंदिर जाने से आपने सेवा भी कर सकते हैं। मंदिर जाके हाँ पिता की सेवा करे, पिता को भी गुप्त दान दे दे। कभी कभी पिता को पैसे दे दे, पिता की जेब में पैसे डाल दे, पिताजी को पता ही ना चले। धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते हैं गुरुजी। धार्मिक अनुष्ठान, लेकिन वो तो अनुष्ठान करेंगे तो आप 10 जगह ढिंढोरा पीटेंगे उसका। तो आठवां हाउस कहाँ गया भाई? अगर अनुष्ठान करेंगे तो 10 लोगों को बताएंगे ना, आठवां हाउस तो बुरा मान जाएगा। वो तो वैसे भी पता चल जाएगा, तो वही तो गड़बड़ हो गया ना। आठवां हाउस कहाँ से आया? मंदिर जाके गुप्त दान दे दे। गुरुजी आठवें का आठवां रह गया गुरुजी, आठवें लोड आठवें में होता। आठवें में क्या इलाज करवाएंगे? कोई इलाज नहीं करेगा, क्योंकि आठवें को आठवें जिसमें समस्या देना है उससे आपको कभी समस्या आने वाली नहीं। भाई ससुराल से आपको समस्या आएगी, क्या आप करेंगे उसके लिए? गुप्त दान का गुरुजी रख के चले आना है, कोई देखना पड़ा। अरे जो बॉक्स है उसमें डाल दीजिए ना, वो पंडित जी बिना देखे चुपचाप डाल दीजिए वहां पर। अनुष्ठान तो ना कराएगा, अनुष्ठान कराने से फिर क्या होगा? आठवें हाउस का इलाज अनुष्ठान से तो सबको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। पिता को दे दीजिए गुप्त दान। ससुराल वालों की सेवा करें सर। करिए ससुराल वालों की सेवा, अच्छी बात है। ससुराल वालों की सेवा करिए, ये भी सही है। आठवें हाउस में ससुराल वालों से मिल उलाया करिए, वहाँ पर जाके कभी हाजिरी लगा दिया करिए, देखो हम आ गए। नवे आठवें दसवां आठवें में आ जाए तो बताइए, व्यक्ति ज्योतिष बन जाए, व्यक्ति सर्जन बन जाए, व्यक्ति सर्जन बन जाए। अभी ये कुंडली हमारे पास अभी जस्ट आप लोग से क्लास स्टार्ट करने से पहले बड़ी बहुत ज़्यादा उनका प्रेशर था कि आज ही बताना उनको। एक कुंडली अगर पड़ी हो, एक मिनट देखते हैं, हाँ शायद खुली भी हो। दिख रही कुंडली? यहाँ देखिए दसवां हाउस कहाँ पर बैठा हुआ है? दसवें हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है? आठवें में गुरुजी। आठवें में बैठा है ना। इन्होंने हमको बताया नहीं, हमने कहा कि या तो आप ज्योतिष का काम करते हैं, हमने पहले पूछा प्रोफेशन कैसा चल रहा है, कहते बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने कहा या तो ज्योतिष होंगे या तो आप डॉक्टर होंगे और डॉक्टर में भी सर्जन होंगे। कहती हाँ मैं सर्जन हूँ। सोनिया भगत जम्मू की है, ये डॉक्टर है और सर्जन है। देखिए एकदम सटीक फलादेश, थर्ड हाउस लॉर्ड बुद्ध में है, यही इनका उपाय हो गया। अगर ये सर्जन ना होती तो दुनिया भर की दिक्कत। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा आपको? जी गुरु जी, ये एकदम सीधा सीधा आंसर है उसका, सीधा सीधा आंसर है। तो ये इन्होंने अपना इलाज खुद ही कर लिया। अब इनको दसवें हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में लेके बैठे हैं ये, तो इनको कोई उपाय करने की जरूरत है क्या? इनको कोई उपाय करने की जरूरत है जी? नहीं गुरुजी, जरूरत ही नहीं इनको, क्योंकि ये तो अपना उपाय खुद ही करे बैठे हुए हैं ना। ये अपना उपाय तो खुद ही करे हुए बैठे हैं। इस प्रकार से 11th हाउस लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए तो क्या करें? दोस्तों से दूर रहे और सोशल सर्कल से भी दूर रहे, ठीक है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए तो क्या करें? 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए तो क्या करें? बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं। 12th हाउस आपका बेडरूम है। 12th हाउस आपका क्या है? बेडरूम है। बेडरूम ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ कोई भी मेहमान आए तो उसकी नजर डायरेक्ट ना जाए। क्यों? क्या बताया हमें? देखिए क्या दिमाग लगाया। 12th हाउस बेडरूम था और 8th हाउस क्या था? छुपाने का।
एट हाउस क्या था? गुप्त का, छुपाने का, छुपाने का था। दान नहीं, गुप्त चीजें कोई भी हो तो हमने उसके उसको क्या छुपा दिया? हाँ, बारहवें हाउस को छिपा दिया। और बताइए, बारहवां हाउस अगर एट हाउस में तो क्या करे व्यक्ति? हॉस्पिटल में जाकर के गुप्त दान दे आए, हॉस्पिटल में जाकर के, क्योंकि बारहवां हाउस किस चीज का है? हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल का जी, वहाँ दान दिया है। उपाय समझ में आ गया आपको कि नहीं आ गया? पर गुरु जी, हॉस्पिटल में गुप्त दान कैसे करेंगे? अरे बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे हॉस्पिटल में भी गुप्त दान होता है भाई। आप मान लीजिए कोई पेशेंट है, उस पेशेंट पेशेंट को देना है, नहीं पेशेंट को बता के पेशेंट को ना पता लगे, बस मेडिकल में जो डॉक्टर को पेशेंट आपको थोड़ी पहचानता है। अरे पेशेंट आपको रिसेप्शनिस्ट पहचानती है ना, आप रिसेप्शनिस्ट को बता दीजिए उस पेशेंट का पैसा ये ले लीजिए, हो गया काम। अरे खून दान करते सर? हाँ, ब्लड डोनेशन मंगल का काम है, कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन मंगल का काम है, सेल्फी ना खिंचवा लीजिएगा। ब्लड डोनेशन में तो मंगल भाई भी खुश होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। और अगर गुरु जी किसी का मंगल या अष्टम में हो तो गुरु जी फिर तो मंगल अष्टम में नहीं, हम लोग अभी प्लैनेट नहीं ले रहे ना, हम लोग प्लैनेट नहीं ले रहे ना अभी, अभी हम लोग तो हाउस हाउस देख रहे थे। जिस हाउस का लॉर्ड होगा डिस्प्यूट वहीं से आना है, ये बात समझ में आ गई जी। उसके बाद आप देखिए, छठा हाउस तो बीमारियों का भी है ना जी, जी। तो जिस हाउस का लॉर्ड छठे हाउस बैठा है उस हाउस से रिलेटेड उसको समस्या देखने को मिलेगी, उस हाउस से रिलेटेड उसको क्या देखने को मिलेगी? समस्या देखने को मिलेगी जी। अब आप लोग बोलते जाइए तो हम आपको हाउस बता दें कि किस हाउस से कौन सी बीमारी होगी। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में, किसी का है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में? मेरा है। आपका है? आपको सरदर्द की प्रॉब्लम रहती है क्या? सरदर्द नहीं रहता। सरदर्द की प्रॉब्लम, आंखों के ऊपरी हिस्सों की प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आपको रहेगी? नहीं रहती, अभी तो कुछ नहीं। अभी नहीं है तो आगे के लिए आप सावधानी इन चीजों से हो जाए। जी क्या? अरे जोर से बोले, जिसे सुनाई दे, सुनाई नहीं दे रहा। गुरु बैठा तो सेहत हो कर गए, तो बड़ी बात है। नहीं समझ नहीं, गुरु सस्टेस नहीं बोल रहे हम, बोल रहे छठे हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वह प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है, ये बात कह रहे हैं। छठे हाउस में कौन बैठा है? भाई बोल नहीं रहे हैं, अपना माइक नहीं बैठा, कर लीजिए है तो जो बोल नहीं रहे हैं। मैं तो बात दीजिए, अपना माइक बंद कीजिए। सनी केतु बैठे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हम, ये वो कहीं और लेके चले गए, वो सस्टेस फर्स्ट हाउस में लेके चले गए। नहीं, छठे भाव में जो ग्रह है वो किस हाउस का लॉर्ड है? अगर छठे हाउस में जो बैठा ग्रह है अगर वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, अभी आप लोगों को यही सब समस्या आ रही है तो हम लोग धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कैसे आप लोग देखेंगे कुंडली भाई? ये तो बेसिक चीजें हैं। किसी का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में है क्या? जी गुरुदेव, मेरा है। तो क्या आपको सरदर्द की प्रॉब्लम या आंख के ऊपर के हिस्से की प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है? अभी तक तो नहीं है सर। चलिए आगे ये हो सकती है आपको प्रॉब्लम, जो मैं बता रहा हूँ अगर अभी नहीं है तो ऐसा नहीं कि नहीं होगी, होगी तो यही होगी प्रॉब्लम, ठीक है ना? सर से रिलेटेड, यानी फर्स्ट हाउस किस चीज का हो गया? सिर का। सर दृष्टि काम करेगी? दृष्टि जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही देखनी जैसे मेरा भी है। तो जिसका भी जो जैसी दृष्टि बताई थी, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस पे दृष्टि दे, लेकिन दृष्टि तभी देखी जाएगी जब छठे हाउस में कोई भी ग्रह नहीं हो, तभी दृष्टि देखी जाएगी। ओके। तो जिसका भी होगा उसको सरदर्द की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी या सर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके आंखों के ऊपर की प्रॉब्लम,
पक्की बात है, यानी यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई कट उट भी लगाओ, कोई कट उट भी लगाओ, या आंखों में उसके दर्द उद भी रहता हो। मेरे आंखों में हमेशा जलन होती रहती है। जलन होती रहती। आपका क्या फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में है? जी गुरु जी। हाँ, तो बस हो गया। सर में चोट भी लग सकती है। हाँ, सर में चोट भी लग सकती है, सर दर्द भी बना रहता है। अच्छा, एक फार्मूला पढ़ रहे थे, पता नहीं उसका भी कितना सही है कितना गलत है। उसमें ये लिखा हुआ है कि सूर्य जब भी मेष राशि में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सर दर्द रहता है। जिसका जिसका है, जरा जैसे हमारा सूर्य मेष राशि का है, उच्च का सूर्य हमारा, तो हमारे सर में दर्द रहता है। ये तो हमने तब उसको फार्मूले को नोट किया, लेकिन हम और लोग से ये फार्मूला कन्फर्म करिएगा कि ये फार्मूला कितने परसेंट सही है। ये हमने बहुत अच्छी बुक से पढ़ा हुआ है, मुझे रिलेशन समझ में आया। हाँ जी गुरु जी, पूरा महीना दर्द रहता है। मेरे पास एक की कुंडली है। उसका क्या सूर्य मेष राशि में है? नहीं नहीं, गोचर में भी सर जब आता है ना मेष में, उसका तब भी उसको पूरा महीना दर्द रहता है। नहीं, गोचर का तो हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं सर, गोचर में भी नहीं, वो जरा देखा है। जो कुंडली में योग होंगे, पता चला गोचर में आ गया कि भाई कुछ ऐसी युति बन गई कि करोड़पति बनाएगी, उस व्यक्ति की कुंडली में करोड़पति का योगी नहीं, थोड़ा करोड़पति बन जाएगा। गोचर इफेक्ट तभी डालेगा जब कुंडली की दशाएं और कुंडली में योग काम करें। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि गोचर से ही सारे कहानी निकल के आ गए। गुरु जी, सूर्य की दृष्टि मेष राशि पे है और मेष राशि में कोई ग्रह नहीं है। हाँ, हमेशा दर्द रहता है। सही, एकदम सही, एकदम सही। उस पे दृष्टि पड़ रही है और मेष राशि पे कोई ग्रह नहीं है, तो एकदम आ रहा है, सही आ रहा है। देखिए, मेष राशि ना हमारा सर है जी, और सूर्य जो हमारे सर का कारक है, और सूर्य एक जलाने वाला ग्रह है, तो मंगल यानी मेष राशि में जाके उस सूर्य ने मेष राशि को डिस्टर्ब किया हुआ है। ये मुझे फार्मूला जब मैंने पढ़ा तो मुझे, अब मैंने अपना दिमाग लगाया तो ये मुझे समझ में आई बात। जो मैंने अपने लिए तो लगाया सही था, एक दो लोगों के लिए और भी सही हुआ, लेकिन इस बात को प्रूफ नहीं मुझे समझ में आ रहा था। तो आप लोग भी दो चार एग्जांपल दे रहे हैं, इसका मतलब ये फार्मूला सही है। सूर्य मेष राशि में जब भी होता है तो व्यक्ति के सर में प्रॉब्लम होती है, ये बात कन्फर्म। मतलब और भी लेकिन लगाइएगा, अभी इतनी जल्दी नहीं पहुँचना है। ठीक, सेकंड हाउस लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में किसी के बैठा हुआ है, जी गुरु जी, देखिए आंख से नीचे से लेकर गले तक प्रॉब्लम, यहाँ तक गला खराश, गले में प्रॉब्लम, वाणी में प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की समस्या देखने को मिलेगी। गले, आंख से नीचे और गले के ऊपर का भाग में प्रॉब्लम होगी। आंखों की पुतलियां जो होती है ना, ये उसमें भी प्रॉब्लम रहती है। मेरे रहती है आंखों में ही है, आंखों में। तो आपका क्या सेकंड हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा हुआ है? हाँ बैठा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली है। तो शुक्र है को छठे भाव में। हाँ, पक्का ये देखने को मिलेगी, यानी ये वाला भी टिक कर लीजिए, फार्मूला सही है। तीसरे हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए तो तीसरा हाउस, देखिए वो तो हमी को प्रॉब्लम है। देखिए गर्दन, ये जो गर्दन, ये जो ये वाला प्रॉब्लम है ना, कंधे, शोल्डर है ना, ये प्रॉब्लम आपके लिए करने वाले। श्वास नली, सांस लेने में दिक्कत, कभी कभी हमें लंबी सांस खींचनी पड़ती है। तो गर्दन यानी बैक, ये जो पीछे ऐसे ऐसे कट कट हो जाता है, देखिए ये देखिए कट कट करता है हमारा। थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में आ जाए तो यहाँ से संबंधित समस्या आएगी। शोल्डर में प्रॉब्लम, बाजुओं में प्रॉब्लम आएगी, आर्म्स में, कान में, कान में हमारे बहुत दर्द होता है, इसीलिए मैं हवाई सफ़र नहीं करता, फ्लाइट में मैं कभी नहीं जाता। हमको कोई बोले नहीं, हम पैसा भी देंगे तब भी चलो हम हाथ जोड़ लेते हैं। फ्लाइट में हम जब भी चले जाएंगे हमारे कान बंद हो जाते हैं, रीज़न हमें पता है, हम जाते ही नहीं। पहले बहुत जाते थे, देखा तो डॉक्टर ने कह दिया अब की गए तो कान वहीं फट जाएगा, हमको हम जाएंगे नहीं, क्योंकि रीज़न तो हमको पता था कि होने वाला क्या है। वो हमने कहा तो हमको पता है रीज़न क्या है, तो कह जब पता तो मत जाइए। हमने कहा हम जाएंगे नहीं, हम चाहे जितनी लंबी सफारी अब सवारी हो
हम ट्रेन से कर लेंगे, हम हवाई जहाज से नहीं जाते, कान हमारे फट जाते। थर्ड हाउस दूसरा भाव सिक्स्थ हाउस दूसरा भाव क्या जी दूसरा भाव स्वामी छठे भाव में आ जाए तो बताए दो। यहाँ से देखिए हमारी, अगर आपको दिख रही है हमारी आँख, आँख से नीचे से लेकर गले तक प्रॉब्लम, नाक में, दांत में, बोलने में, जीभ में, ये सारी प्रॉब्लम, गले में खराश होना, गला कुछ खराब हो जाना, ये सब आपको समस्या देखने को मिलेगी। नहीं है तो चिंता ना करिए, आने वाली है। वो बोले नहीं हमको अभी है नहीं, तो परेशानियां होती है गुरु जी, दांतों के तौर पर परेशानियां है, हो गया क्या चीज सेकंड हाउस का होता है कनेक्ट तो हाँ पक्का होगी प्रॉब्लम होनी। जो हम फार्मूले दे रहे हैं उसमें ना होने का कोई चांस ही नहीं। कोई बोले कोई नहीं माने, नहीं हमारे साथ पैसा नहीं, अगर चिंता ना करो आने वाली एकदम आए, कन्फर्म आए। जी क्या सेकंड हाउस क्या ये चंद्र है जैसे होता है वही होता है, समझ नहीं आया मतलब क्या बोल रहे हो गुरु जी? जैसे अपने सेकंड हाउस में तो उसका स्वामी चंद्र होता है ना, वही होना चाहिए सिक्स में, कोई जरूरी है? वो तो मिथुन लग्न में केवल हो सकता है। काल पुरुष कुंडली बता रहे थे गुरु जी, काल पुरुष की कुंडली में तो कभी नहीं होगा, काल पुरुष की कुंडली में तो शुक्र होगा, तो यानी जिस राशि में वो बैठे हुए हैं उसके गुरु जी राशि समझ रहा है राशि स्वामी। अरे भैया राशि स्वामी का हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं दूसरे भाव का स्वामी भाई। अभी हमें लगता है आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो भाई, हम लोग कहाँ की बातें कर रहे हैं और आप लोग एकदम पीछे ही लटके पड़े हो। अभी थोड़ी प्रैक्टिस करिए भाई, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, अभी तो बहुत सारे फार्मूले बताने बाकी। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करिए। सेकंड हाउस लॉर्ड का मतलब चंद्रमा तभी हो सकता है ना जब लग्न मिथुन हो, और तो कभी नहीं होगा वो जी। और काल पुरुष लेंगे तब भी तो मेष लग्न होगी ना। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, चौथे हाउस में उस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम, फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए, व्यक्ति को चेस्ट, लंग्स यानी फेफड़े, चेस्ट कंजेशन रहेगा, दमा उमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है ना। हार्ट रिब्स, जो ये रिब्स होती है ना, ये क्या नाम है, चेस्ट की जो हड्डियाँ रिब्स, वहाँ पे उसको दर्द रहेगा या समस्या देखने को मिलेगी। जिसका भी चौथा हाउस सिक्स हाउस में आ जाए, फोर्थ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में आ जाए, उसको प्रॉब्लम होगी। बहुत साल पहले की घटना बताते हैं आपको, अरे ये 2004 या 5 की घटना है, हाँ 2004 या 5 की घटना है। अब देखिए यश इसी को बोलते हैं, यश मिलना था जी। 2004 या 5 की घटना है, हम कानपुर में थे, एक हस्बैंड और वाइफ ना अपनी कुंडली दिखाने के लिए आते, वो बैंक में काम करते थे, दिखाने के लिए आए हमारे पास। हमने कुंडली देखी, हमने कहा आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है क्या? कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो ब्लड ब्लड लेवल भी अच्छा है, ब्लड सब कुछ अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल में चेक भी कराता हूँ, ये कराता हूँ वो कराता हूँ। मैं कहा सावधान रहिएगा हो जाएगी, यही चीज़ मैंने कॉम्बिनेशन देखा था। एक हफ्ता नहीं बीता था व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। अब यह हो सकता है हमारे सुनने के कारण आ गया हो या किसके कारण आ गया हो। अब उनकी जो वाइफ है वो बैंक में काम करते हैं, तो वो रात में मतलब दौड़ी दौड़ी है, तब तो फोन ओन भी ज्यादा हम रखते भी नहीं थे, फोन होता भी नहीं था 2004 में, कहाँ कोई फोन ओन, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं चलता था। वो आई मतलब कि घर पे मतलब दरवाजा वरवाजा पीटा कि मतलब ऐसा हो गया। हमने फिर हम उठे, हमने कहा अगर ऐसा हो गया तो आप चिंता ना करिए, आप पहले इलाज देखिए, सवेरे मुलाकात करेगा, आप इतनी परेशान ना होइए। तो कहते आपने कैसे बोल दिया, मैं बोल गया तो हो गया, पहले वहाँ जाके देखिए। उसके बाद तो वो इतने बड़े हमारे भक्त बन गए कि पूछिए नहीं, मतलब अगर छींकना भी होता है तो ये हमें दो बार छींक आई है तो ठीक रहेगा, हमने दो बार है चाहे 20 बार है बात बराबर है। तो आप ये जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ इसकी काट नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आप जैसे उन्हीं का मैं बता रहा हूँ, वो जब मैंने देखा फोर्थ हाउस लॉर्ड उनका सिक्स हाउस में था, उनको किसी प्रकार की कभी आज से पहले हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, और एक हार्ट अटैक उनको आ गया मतलब विद इन अ वीक। तो यानी कहने का मतलब इसका कोई काट नहीं है, कोई कहे नहीं हमको ये नहीं हुआ, आप सोचो चिंता न करो होने वाले तो है, ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा कैसा होगा, ठीक है। तो फोर्थ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में अगर है
तो व्यक्ति को चेस्ट कंजेशन रहेगा, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाया करेगा, रिप्स में प्रॉब्लम होगी, ये सारी प्रॉब्लम। पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में है किसी का? नहीं है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में है जी, शनि है, शनि मेरा, शनि, शनि में पता नहीं क्या बोले। संजय जी क्या बोले? शनि है पंचम चतुर्थ पंचमेश होगा षष्ठ भाव में। अच्छा, तो आपको लीवर की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, पैंक्रियाज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज ओबिटीज है? नहीं होगी, चिंता ना करें। लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका वीक रहेगा, पाचन शक्ति उसकी कमजोर रहेगी, पैंक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम और शुगर यानी डायबिटीज उस व्यक्ति को होगी। इनमें से कोई भी एक बीमारी हो सकती है। जिसका पंचम हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में जो लिए बैठे हैं वो इसकी तरफ सावधान रहे, ठीक है? है ऐसा है, अच्छी बात। छठे भाव में आइए, छठे हाउस सर, इसमें हार्ट का रहेगा? हार्ट का फिफ्थ हाउस से क्या लेना देना? नहीं आएगा सर, वो तो फोर्थ हाउस में बताया ना, फिफ्थ हाउस तो हम नीचे उतर आए ना, पेट पे चले आए तो। ओके ओके, पेट भी गड़बड़ नहीं रहता संजय जी आपका? नहीं गुरु जी, अभी तो नहीं रहता। चलिए अच्छी कोई बात नहीं, ना रहे लेकिन होगा, ये तो कंफर्म है। थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा अवॉइड करिएगा, ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही हो जाए तो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, पेट की आंतों से संबंधित समस्या, गॉल ब्लैडर संबंधित प्रॉब्लम, और जो ये साइटिका की दर्द नहीं होता, साइटिका का दर्द बोलते हमारी नसें अकड़ी जा रही है, अकड़ी जा रही है, और बैक बोन, कमर दर्द, ये छठे हाउस का लॉर्ड छठे हाउस में है तो ऐसे लोग सावधान रहे। पेट की आंत, गॉल ब्लैडर, साइटिका की प्रॉब्लम, बैक बोन की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, कमर दर्द, ये सब। सेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए तो व्यक्ति को किडनी संबंधित प्रॉब्लम रहेगी और उसको यूरिनरी डिसऑर्डर रहेगा, उसके मूत्राशय में प्रॉब्लम रहेगी, यूरिनरी डिसऑर्डर और किडनी प्रॉब्लम। एट्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए तो उसके प्राइवेट पार्ट में उसकी कुछ प्रॉब्लम देखी जाएगी और ऐसा व्यक्ति थोड़ा बेचैन रहता है, उसका व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बेचैन रहेगा एट्थ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में। नाइन्थ हाउस लॉर्ड जी, यहाँ पे गुरु जी क्वेश्चन है जी, आपने गुरु जी जो पहले बता रहे थे कि छठा भाव जो पति पत्नी के जो झगड़े के पीछे का कारण होगा ना गुरु जी, और अब तो बता रहे हैं कि अगर छठे हाउस में कोई प्लेनेट भी है ना तो रोग का कारण भी बनेगा। एक ही हाउस से कई चीजें देख सकते हैं छठे, अगर हमने बोला मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से छठे भाव को आप पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट का भी बात हो जाती है और उस व्यक्ति को रोग कौन सा होगा ये भी हमें पता चल जाता है, ठीक है ना जी, दोनों चीजें पता चलती है हमको। तो एट्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस बता दिया मैंने क्या प्रॉब्लम आएगी, नाइन्थ हाउस प्रॉब्लम है तो व्यक्ति को हिप की और थाई की प्रॉब्लम होगी, कूल्हे का दर्द या कूल्हे में प्रॉब्लम और थाई की प्रॉब्लम रहेगी, हिप एंड थाई। टेंथ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो उसको पैरों में दर्द होगा और नीज में, घुटने में समस्या रहेगी। टेंथ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ जाए तो नीज में और पैरों में दर्द रहेगा। ग्यारहवें हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो जो ये नहीं होता जहाँ पे चप्पल जूते पहनते हैं उसका पिछला एड़ी जिसको बोलते हैं एड़ी, वहाँ पे उसके दर्द रहेगा। और बारहवें हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो व्यक्ति को नींद नहीं आती है और पैर में उसको प्रॉब्लम रहेगी, जो जूते वाला जहां उंगलियां होती वहां पे समस्या उसको देखी जाएगी। इस प्रकार से हम लोग चीजें, हाँ सर राइट है, हाँ जी, ये चीजें हमें वहां पे देखने को मिलेगी और ये कंफर्म है, ये मिलेंगी, अभी नहीं है तो चिंता ना करिए। प्लस में राहु है, हाँ तो राहु उन चीजों को बढ़ा देगा, राहु उन चीजों को बढ़ा देगा, ठीक है ना। गुरुजी जब आप पहले लिखवा रहे थे ना कि पति पत्नी के झगड़े के पीछे का कारण,
तो गुरु जी वो आपने सिक्स हाउस तक ही लिखवाया था गुरु जी, वो सिक्स से ट्वेल्थ, अभी सेवन से ट्वेल्थ तक रहता है गुरु जी। नहीं लिखवाया था, हाँ सर, हाँ सर, सिक्स तक ही लिखा है। सेवेंथ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में आ जाए तो बिना वजह की प्रॉब्लम। एट्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए तो उसके इनलॉज, इनलॉज के कारण उसमें समस्या देखी जाएगी, इनलॉज के कारण, ससुराल के कारण समस्या देखी जाएगी। और अगर ऐसा व्यक्ति ज्योतिष करता होगा ना तो भी वो उसकी पत्नी के लिए दिक्कत ही रहेगी, तो ये भी एक समस्या वहां देखी जाएगी, वो भी एक डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। और नाइन्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए तो व्यक्ति के घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे, बड़े बुजुर्ग, उसके कारण से उसके उसके पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे। घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हो, पिता हो, माता हो, दादा हो, चाचा हो, मतलब जो भी ताया हो, उनके कारण डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे। या लड़के के जो जीजा हो उसके कारण भी डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे, या जो मान्य व्यक्ति होते हैं ना, फूफा जीजा, उनके कारण भी डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस तो बड़े लोगों का है ना। टेंथ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए तो पति पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट का कारण है वो क्या होगा, उसका प्रोफेशन होगा। आप अपने जॉब में रहते हो, हमको टाइम नहीं देते हो, ये सब जो आप सुनने को मिलता है ना, ये समझ लेना वही स्थिति है। आपने लोगों की बात को सुनिए और ग्रहों का पता लगाइए कहाँ से कहाँ कनेक्शन होगा, ऑटोमेटिक सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कुंडली सही है कि गलत है। जहाँ पर भी कोई डिस्प्यूट इस प्रकार का हो कि ये तो हमेशा काम में ही मस्त रहते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं है हमसे, या जॉब के कारण ही समस्या रहे, मतलब हस्बैंड वाइफ इन्हीं की चीज़ों के लिए लड़ते रहे, आप समझ लेना टेंथ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा हुआ। इलेवेंथ हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में आ जाए तो जो उस व्यक्ति की फ्रेंड सर्किल और सोशल सर्किल रहेगी उस कारण से समस्या देखने को मिलेगी, और बड़े भाई बहनों के कारण भी समस्या देखने को मिलेगी। फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल और क्या, बड़े भाई बहनों के कारण समस्या देखने को मिलेगी। ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए, ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए तो क्या होगा, जो व्यक्ति के पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो खराब रहेगी। संबंध मतलब जो कि मैरिज लाइफ जिसको आप कहते हैं, उसकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उस कारण से समस्या, जिसको हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, उस कारण से समस्या देखने को मिलेगी। सैया सुख जिसको आप कह सकते हैं, उस कारण से समस्या देखने को मिलेगी, उसके कारण से डिस्प्यूट बने रहेंगे। तो समझ में आ गया ना। तो छठा हाउस किस प्रकार से मैरिज को कनेक्ट करता है और छठा हाउस किस प्रकार से रोगों को कनेक्ट करता है, तो अब आप कुंडली में देखते ही ये सारी बातें आप तुरंत पता लगा लेंगे कि भाई आप सबसे पहले देखेंगे एर्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट है और कहाँ से आया व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या वही है। पति पत्नी के बीच में संबंध कहाँ से खराब होने वाले हैं, सिक्स हाउस में बैठा प्लेनेट। अब प्लेनेट नहीं बैठा तो दृष्टि देख लीजिए, दृष्टि नहीं लग रही तो जो तीसरा रूल मैंने बताया वो देख लीजिए।